कहते चलो दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ो दोबारा थप्पड़ लगाया मेरे कोई चार पांच थप्पड़ खाए ओ लेवल्स के अंदर दोस्त जो पाकिस्तानी दोस्त है उसकी वजह से एकदम मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दीन से दूरी आ गई कि अल्लाह के रसूल के कार्टून बनेंगे और एक कॉन्टेस्ट है जो इसमें कार्टूस बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा बाहर से आया था था ओ लेवल्स करके को एजुकेशन में में पढ़ने वाला जब आया तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़की से ना सलाम दुआ करता हूँ दोस्ती करता हूँ मुझे क्या पता था माजी का कमरा साथ ही नहीं मैं जो भी बुरा काम करता था ना अला से पकड़ा जाता था आप में से कोई भाई जो है ना यूथ क्लब चला मैं और मोहम्मद अली भाई शुरू में थे यूथ क्लब के मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली और मैं एक जगह गए थे किसी आउट सिटी में अच्छा हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है तो अली भाई का शायद फैन ज्यादा था करीब आया ना तो कहते सर एक मिनट जरा आप थोड़ा पीछे होइएगा <laughs> बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से अगर बंदा नमाजी है ना अपनी तो अल्लाह उसको गंदगी से निकाल देते हैं वी आर लिविंग इन एज ऑफ यानी हर जगह ना आपको कोई नई बात करनी है तब आप लोगों को कैप्चर करेंगे हमें कोई बहुत साइकोलॉजी कोई सोशियोलॉजी कोई बड़ा ना साइंस की कोई साइंटिफिक मेरिकल निकाल के दिखाओ तो हम वाओ इफेक्ट होगा तो हम कुरान से यूज होंगे वरना और मैं समझता हूँ जुबान जब हम बोल रहे हैं ना यार हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है अल्लाह माफ करे मैंने कहा पढ़ो छह सात साल अपने आपको रगड़ा लगवाओ तो कहते हैं यार दुनिया बहुत तेज है मतलब मैंने कहा यार कहाँ जाना है दुनिया की हर बुराई वहाँ पे इस मदर से लेकिन मैं आपको बताऊँ दीन आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा तो अगर आप अपने आप को इस काबिल अल्लाह के सामने बना देते हो ना कि यू आर वर्दी अल्लाह आपको कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेगा दीन के लिए कहते हैं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरे ना बुराइयों को छुपाया हुआ और मेरी नेकियों को फैला दिया लोगों के सामने अल्लाह की कसम अगर मेरी बुराइयों का लोगों को पता चल जाए ना मेरे जो सीक्रेट्स और आइसोलेशन के जो गुनाए है उनका लोगों को पता चल जाए ना अब सलाम आलियम खानी

एंड uh, मैंने कोई इनिशियल कोई स्कूलिंग नहीं मिली हुई हुँ. तो मेरा जो पहला स्कूल का एक्सपोजर था वो ग्रेड फाइव में था डायरेक्टली विद माय फैमिली तो मदरसा यहाँ से स्टार्ट किया लाहौर से और अच्छा. यहाँ पे uh, मैं कुछ तक़रीबन पंद्रह सपारे मैंने यहाँ पे हिफ्स किए उसके बाद पंद्रह सपारे फिर मैंने जाके यू आई में वहाँ पर पाकिस्तानी मदरसा ही था उनके साथ हुँ. मैंने वहाँ पर कम्पलीट किया तो कुरान मजीद को कम्पलीशन उसकी कम्प्लीशन के फ़ौर बाद फिर मैं मदरसा स्कूल में गया और बिल्कुल आई रिमेंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपोजर टू नॉलेज और एजुकेशन यानी मैं इससे पहले हाँ मैं कुछ देर के लिए शायद प्रेप क्लास के अंदर एक आप समझ लें एक क्रिश्चियन स्कूल था मेरे घर के बिल्कुल पास उसमें लाइक फॉर फ्यू मंथ्स वन और टू मंथ्स मैं शायद गया हूँ इससे ज्यादा नहीं उसके बाद हमारी फैमिली में ट्रेंड है अलमदिल्ला रिलीजियस फैमिली है तो हमारी फैमिली में ट्रेंड ये है कि सारे हाफिज हैं माशाला तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ वी डू द दिफ्स तो मेरे माशा पूरा खानदान इंक्लूडिंग माई मदर मेरी सारे बहन भाई सारे माशा फाजर्स तो बल्कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है नाना नाना का तो उसका भी नाम जो है ना हुफास सीमलेस पाइप्स ये एक अच्छा। मशहूर कंपनी है सीमलेस पाइप्स की है तो उसका नाम भी हुफास ग्रुप है तो वो सारे भाई मेरे नाना के भाई वगैरह भी सारे हाफिज़ हैं माशाला हमारे यहाँ ये ट्रेंड है अलग है शुक्र है कि हम स्टार्ट करते हैं हिफ्स <clears throat> तो मैंने सबसे पहले हिफ्स किया तो हिफ्स के बाद फिर दरमियान में वन आई वॉज डूइंग बाई हिफ्स तो उस टाइम फिर हम लोग यू शिफ्ट हो गए मेरे साहब ही इज़ अ स्कॉलरली पर्सन माशाल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे एक कॉलेज था वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया उन्होंने यूएई में तो मेरी वालदा भी साथ चली गई तो फिर वहाँ पे जाके मैंने अपनी कंप्लीट किया अपना हिफ्स और उसके बाद फिर मैंने आई थिंक आई वॉज ग्रे नाइन टेन ईयर्स ओल्ड आई थिंक और अलेवन टवेल्व ईयर्स ओल्ड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर लेकिन उससे पहले मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी तो वहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट किया था हमारे वहाँ पर एक स्कूल uh, था पाकिस्तानी स्कूल था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे बेसिकली हमारा पाकिस्तानी मैट्रिक ही था मैट्रिक करिकुलम था हमारी मेट्रिकुलेशन तो वहाँ से स्टार्ट किया ग्रेड फोर यानी ग्रेड फाइव के अंदर डायरेक्ट मेरा एडमिशन हुआ तो ग्रेड फाइव के बाद फिर मेरी वालदा ने मुझे ओ लेवल से एक और साथ स्कूल था इंग्लिश स्कूल था तो वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम यानी कन्वर्ट्स थे और था भी वो पाकिस्तानी वैसे स्कूल पाकिस्तानी था यानी मैनेजमेंट पाकिस्तानी थी लेकिन वैसे पूरा स्कूल जो है वो उसमें नॉन मुस्लिम्स इंडियंस जो जो प्रिंसिपल था वो ब्रिटिश था वाइस प्रिंसिपल भी ब्रिटिश था फिर इस तरीके से नॉन मुस्लिम्स मुख्तलिफ मुल्कों के लोग पढ़ते थे तो फिर मैं ओ लेवल्स में वहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वो एज क्योंकि मुझे बिल्कुल इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी और बल्कि वो थोड़ी सी ऐसा मुझे बड़ा मज़े का इंसिडेंट है कि मैं इतना तंग हुआ एक दफा ग्रेड फाइव में था तो फिर डायरेक्ट जब मैं शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर मुझे एक दफा टीचर ने तंग आके मुझे कहा कि आप ना ए बी सो बोर्ड पर आकर और मैं इतना कन्फ्यूज़ हुआ कि मेरे ए बी सी बोल के दर के लिखते लिखते तो स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि मैं साथ साथ जो भी मेरे दोस्त बैठा होता था वह जो भी होता था मैं लिख लेता था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिफ्स चुके किया हुआ था एज भी थी अल्लाह का शुक्र है तो विद इन फ्यू मंथ्स अल्लाह का शुक्र है मेरी फिर इंग्लिश है चूंकि वो इंग्लिश मीडियम था कंप्लीटली तो वहाँ पर मेरी अलहमद इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होगी तो फिर वहाँ से मैंने ग्रेड नाइन टन वहाँ तक एट ग्रेड एट तक वहाँ पढ़ा फिर वापस अम्मी पाकिस्तान मुझे भेज दिया बुला लिया कि क्योंकि यहाँ पर मैं मदरसा हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि हम लोग मदरसा भी पढ़ते हैं साथ, साथ दर से भी।, तो भी है, भी है। तो फिर आपको जर्नीस्टिंग अब ये जो हिफ्ज़ वाली बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ट्रांजेक्शन है आधा यहाँ किया फिर आपने आधा वहाँ किया ठीक है कितनी मार खाई है आपने जहाँ पे पाकिस्तान है वहाँ पे मार है पाकिस्तानी और दुबई वाले में कोई फ़र्क नहीं था <laughs> लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को हमारा कुछ चूँकि पूरी फैमिली मदरसे <laughs> मदर, मदारस से है और हमारा ताल्लुक है काफ़ी तो मुझे पता है हिफ्स भी अच्छा पाकिस्तानी गिरवाते हैं अजीब <laughs> बात है हालाँकि मैंने बहुत मार खाई है और मुझे <laughs> बड़ा अपने सारा से सा गिला शिकवा भी है <laughs> लेकिन अर अरब जो है ना वो सुबहान अल्लाह उनका जो निज़ाम है हिफ्स का आ, मतलब वो बड़ा मुश्किल और बड़ा लॉन्ग टर्म है बड़ा लॉन्ग टर्म है और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो वहाँ से यानी अपनी पर्सनल मोटिवेशन से ही कोई बच्चा कोई हिफ्स कर ले तो कर ले वरना उनका सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पर वो फैसिलिटेट करते हैं हिफ्स को यानी पाकिस्तानी मदारस के अंदर अगरचे वीकनेस है मारदाड़ की और ये एग्रेसिव बिहेवियर है इतना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती टीचर्स के अंदर लेकिन बाहर के जो टीचर्स हैं वो फिर बिल्कुल ही रिलैक्स माहौल है जितना पढ़ लिया जितना याद आ गया किसी को कोई दस सूरतें याद हैं किसी को दस पारे याद हैं बस इससे ज्यादा नहीं बहुत कम बच्चे बहुत कम बच्चे होते हैं जहाँ पे हिप्स मुकम्मल होता तो है तो मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ पर भी मदरिस से चूंकि पाकिस्तानी था तो वो उन लोगों ने वैसे ही वो सिस्टम चलाया हुआ था पूरा तो मार धाड़ बड़ी थी मुझे मुझे लगता है कि मैंने मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे मार कम होगी लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकल जाते हैं पाकिस्तान आप अच्छा लेकिन इस इस सारे उसमें ऑबियसली आई कैन टेल फ्रॉम मोड यू के यू डोंट एग्री टू द दिडिया कि आप इतना मारे सो बट बट यू नो वेड यू ड्रॉ द लाइन के इंसान मुतनफ़िर होना शुरू हो जाता है हाउ वाज इट एज अ चाइल्ड फॉर यू यूनि अरसान भाई इसमें ना जो इंपॉर्टेंट बात मेरी मेरा तजर्बा ये है <coughs> कि ना मार जो है ना बहुत ईजी एक वे आउट है हुँ. और वाकई मुश्किल होता है मैं आपको बताऊँ कि एक वक्त आता है कि मतलब मेरे वालदा भी मुझे मुझे सिर्फ मदरसे से मारी बड़ी मेरी वालदा से बड़ी मार पड़ती होती थी इसके अंदर और लिटरली इतना मुश्किल होता है कि लिटरली कहा जाता है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि मैंने यानी हमारे माशाला छः बहन भाई हैं मैंने छः कुरानि हिफ्स किए हैं और नानी मेरी नानी में माशाला मेरी अम्मी दस बहन भाई हैं मेरी नानी कहती है, मैं कहती हैं मैंने दस दफ़ा कुरानिफ़्स किए और वाकई ऐसा होता है कि एवरी टाइम जब पेरेंट्स हिस्स करवाते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे आप पूरा हिफ़ कर रहे हैं यानी इतना और देर इज़ अ टाइम के बिल्कुल ना आप बस हो जाती है आपकी यानी ये वाकई मुश्किल ऐसे ही नहीं अल्लाह तौल ने इसका बहुत ज़्यादा अजर रखा हुआ तो मैं समझता हूँ कि बाजू यू लूज़ ट आप अपना टैम्पर लूज़ कर जाते हैं और फिर आप थोड़े से अग्रेसिव मीन्स भी अडॉप्ट करते हैं मार धाड़ होती है लेकिन अगेन वहाँ पे ना ओवरऑल एक है कि आपका मेन फोकस मार है <laughs> और आपकी वैसे तंबी और वो जो है ना तरगीब व तरहीब जिसे कहते हैं ना हम मोटिवेट करना या फिर किस तरीके से वो कम होता है बाजा उल्ट होता है मामला तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करें मदारिस के जो निज़ाम है ना वो मार धाड़ असल होती है यानी वहाँ पे मार धाड़ बोती है कभी मोटिवेशन तो बहुत कम होती है तो मैं समझता हूँ बहुत से मसले हल हो सकते हैं अच्छा जनरली मैं वैसे मार के इतने खिलाफ नहीं हूँ मैं समझता हूँ कि कभी कभी लगा देने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है जैसे मुफ्ती तारीख मसूस का दिन सुन रहा था बड़े मज़े की बात कहते हैं कभी कभी बड़े भाई से भी मार खा लेनी चाहिए ठीक है तो उस्ताद से मार खाने में कभी थप्पड़ लगा दिया कभी छोटा मोटा कर दिया मुझे मैसा लेकिन वो होता है ना कि एक नेचर में ही आपका ये कि आपने बेसिकली फोकस ही मार धाड़ पे एंड अगेन वो जब इस, जब इस आप होती है आपकी मार तब आपकी बतौर असला होती है लेकिन जब आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं आपसे खुद नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर आप फिर आप इस तरह करते हैं मैंने देखा कि बहुत आपने बिल्कुल सही बात की बहुत लोग मुतानफर होते हैं मैं खुद बड़ा मुतनफर हुआ तो मेरे वाले बड़े सख्त थे उन्होंने कहा बेटा जो मर्जी हो जाए मरना जीना यहीं पर आपने मुझे याद है मेरा हाथ सुझा हुआ था इतना ज्यादा वो उन्होंने उस्ताद थे तो मैंने गलती की और आ, क्या किया कि उनके पास ना वो एक एलुमिनियम की कोई स्टिक पड़ी हुई थी एलुमिनियम का वो डंडा पड़ा था साइड पे ऐसे ही डंडा तो उनके पास दूसरा था तो उन्हें पकड़ के वही मारा मुझे दो तीन दफ़ा मारा तो वो मेरा बकायदा कट लग गया मेरे दोनों हाथ सूझ गए वो पहली दफ़ा मेरे वाल साहब गए थे मेरे उस्ताद के पास मिलने के लिए जब मेरा हाथ सूझा हुआ था ना तो उन्होंने पूछा कि वो बेटे को धर थोड़ा सा हाँ बस वो पता बस वो साथ पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी मैंने मार दी कहते चलो ठीक है बस इतनी सी बात की है और सुबह अल्लाह मुझे मुझे एक दफ़ा याद है कि हमारे एक और उस बड़ी लंबी चढ़ी जर्नी है बड़ा मजे की बातें भी आती हैं एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था हमारी ना कुरान जो मैं पढ़ रहा था ना उसके अंदर ना एक ना टाइपिक्स टाइपिंग की गलती हुई थी अच्छा तो वो हुआ ये कि वो उसके ऊपर हाँ सॉरी टाइपिंग नहीं वो एक दूसरे लड़के का मेरे क्लास फेलो का था सीन मेरे साथ ये हुआ कि वो वक्त था एक जगह पर वक्फ़ लाजिम होता है पता कह वक्त लाजिम होता है हाँ। तो मैं सुनाई जा रहा हूँ तो वक्फ लाजिम मैं वक्फ लाजिम नहीं किया मैंने तो मैंने आगे पढ़ लिया तो ना मैं करीब भी बैठा और रख के थप्पड़ लगाया मेरे मुंह पे अच्छा ये वैसे तो शरी तौर तो पे मुंह पे थप्पड़ लगाना वैसे भी शरी तौर तो पे जायज नहीं है हाँ। लेकिन बहरल उन्होंने लगा दिया मुंह पे कहते कि क्या गलती की है तो अब मैं मैं परेशान मैंने कहा क्या गलती कहते अच्छा दोबारा पढ़ो पीछे से मैंने दोबारा पढ़ा फिर फिर दोबारा नहीं दिया दोबारा एक थप्पड़ लगा फिर कहते चला कुरान खोल के देखो अच्छा वो कुरान खोल के देखा तो मैंने देखा मैंने कहा कोई गलती मैंने कोई ज़बर देर पेश की अब मेरा ध्यान ही नहीं गया वक्त पर मैं देख रहा हूँ कोई गलती नहीं है मैंने कहते चलो दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ाओ दोबारा थप्पड़ लगाए मैंने कोई चार पाँच थप्पड़ खाए और सुबह अल्लाह मेरा छोटा सा था मासूम से था उस टाइम मैंने बताया कि मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी तो मेरा मूल लाल हो गया थप्पड़ खा खा के तो बस फिर बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पे वक्फ है अल्लाह और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आपको मैं बताऊँ वक्फ लाजिम जो हैं कुरान में में बहुत कम है यानी वक्फ़ लाज़िम जो है ना एक्चुअल में वो जो असल कुरान है हमारे असल से मुराद ये कि जो मुहक कुरान है यानी हमारे यहाँ क्योंकि मेरा मेरी खुद स्पेशलाइजेशन कुरानिक साइंसिस में है, तो वक़ूफ़ का पूरा एक हमारे यहाँ ना पूरा एक इल्म है इल्मुल वक़ूफ तो वो जो वक्फ है वक्फ लाजिम कुरान मजीद में हमारे जो पाकिस्तानी कुरान है उस उसमें अक्सर जगह पर वक्फ लाजिम लगा वो ठीक नहीं लगा हुआ अच्छा तो <laughs> वो वाला वक्फ <laughs> लाजिम एक्चुअल है ही नहीं <laughs> तो कुरने मजीद में, में अरब जो मदीना है ना जो <laughs> मदीना के अंदर से पब्लिश होता है किंग फहद <laughs> की तरफ से जो पब्लिश उसके अंदर जो वक्फ़ लगे हैं वो एक्चुअल सही वक्फ़ लगे हैं बाकायदा इलिमी तौर पर वमाना है जिसको कहा कि हाँ यहाँ पे वक्फ है वक्फ लाजम है तो वो उन्होंने जो वक्त लगाया हुआ था वो वैसे भी ठीक नहीं है बड़ी ये, ये, ये जो उस्ताद वाला पॉइंट है ना मुझे याद है कि हमने बचपन में दादा से पढ़ा था और पंजाबी में तो वैसे ही वो गन्ने बहुत होते हैं ना तो आप जुबान जब पंजाबी में कुरान पढ़ना सीखते हैं तो आपकी तजवी ठीक नहीं होती तो यूनीसिटी में दो हज़ार आठ में जब हमने पहली दफ़ा दरस नज़ामी में कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैंने पहली दफ़ा रेसिटेशन की उस्ताद ने रोका ने जली दोबारा पढ़ो

वो बच्चा मुन्नफर क्यों नहीं होगा बिकॉज देर इज रियल ओनरशिप फ्रॉमरशिप ठीक है है. है. और फिर वो एक पूरी background है जिसके अंदर वो चल रहा है। लेकिन है। इसलिए के के मेरी सिफारिश करेगा एंड देन हम जब यूनिवर्सिटी में बच्चे को देख रहे हैं तो नाइन परसेंट है दो सवाल इससे मुझे समझ नहीं आते कैसे करना एक जिसने हिप्स कर लिया है द काइंड ऑफ लाइफ दस यू गोट इंटायर फैमिली तो वो फैमिली तो आइडियल है लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है दूसरा सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि आइडियल एज क्या है कब हिफ्स करना चाहिए क्योंकि वो उसकी अपनी ओनरशिप नहीं है उसमें है। एज में हम आम अच्छा मेरे ना जो मैं पहला जो दूसरा सवाल है उसको मैं जवाब पहले देता हूँ मेरी नज़र में पहले हमारा जो तजर्बा फैमिली में यही था कि हम लोग शुरू में पहले हिफ़्स करवाते थे और मैं अब समझता हूँ कि ये तजर्बा ठीक नहीं है बच्चों को हिफ्स करवाना चाहिए और मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसको फिर मेरे पेरेंट्स ने फिर लेट हिफ़्ज़ करवाया ग्रेड फाइव के बाद और यू कैन से के ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स ओल्ड जब बच्चा हो जाए ना तब गिफ्ट्स में डालना चाहिए उससे पहले नहीं डालना चाहिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे के को ना बहुत बोझ होता है बच्चे बेचारे से मैनेज नहीं होता और हमारे यहाँ निज़ाम वो इतना अच्छा नहीं जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो बच्चा बेचारा नहीं कर पाता तो मैंने देखा कि आइडियल एज जो है ना वो है ट्वल्थ ट्वेल्थ प्लस या फिर ग्रेट फाइव ग्रेट फाइव आप करवाएँ उसके बाद बच्चे को हिस्स में डाल दें और उसके लिए फिर वो दो साल में कर लेता है फिर आप दो साल की बीमेंट ब्रेक लेने लें मसला नहीं, नहीं होता कैचअ करना भी मुश्किल नहीं होता मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कैचअ करना मेरी अम्मी ने काफी मशाला मेरे पर मेहनत की थी मुझे याद है कि मुझे नावल्स ला कर दिए मैंने नावल्स पढ़ाए घर के अंदर मुझे अलमद्ला अरबी उर्दू इंग्लिश तीनों लैंग्वेज पर अलमदिल्ला अच्छी कमांड है तो मुझे फायदा मुझे अम्मी ने बुक्स दी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में लेकिन अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी मेरी खुद काफ़ी डिटर्मेंड है तो इसलिए उन्होंने काफ़ी इसमें तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए ना कोप करना बच्चे को फिर दोबारा ग्रेड यानी जीरो बिल्कुल स्टार्ट से हमारे यहाँ वैसे ट्रेंड तो ये था हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स के यहाँ हिफ सबसे पहले होता था ये पुराना ट्रेंड यही था हमारे यहाँ लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद वो ना दीनी पढ़ते थे और दीनी उलूम के अंदर ही दुनियावी ूम होते थे इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होता था हमारे यहाँ मसला ये कि बिल्कुल अलग स्कूलिंग सिस्टम है मदरसा बिल्कुल एक अलग सिस्टम तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं ये रिकेमेंड करूँगा दूसरी चीज जो आपने कहा रिटेंशन रिटेंशन में एक चीज़ मैं कहता हूँ सारों से तरावी ज़िंदगी में उसूल बना ले तरवी नहीं छोड़नी यानी यह अगर वाले तो के ठीक है देखिए मुश्किल है यानी रोज़ाना चेक रखना बच्चे के ऊपर कि जी कुरान पढ़ो रोजाना वैसे तो रोजाना आपको तिलावत करनी चाहिए तहजुद अल्लाह ने मैं समझता हूँ रखी हफाज के लिए यानी अगर आपने कुरान तहजद में नहीं पढ़ना और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद भी है वो जो रातों को कुरान मजीद की तिलवत नहीं करते उस हवाले से एनी तो ये जो तरावी जो बंदा पढ़ता है ना जितनी मर्जी आपकी बिज़ी रूटीन हो स्केजल हो अगर आप तरावी कर रहे हैं तो आपका कुरान एक बेर मेंिनम पे अलहमद मैं अपनी मिसाल देता हूँ मैंने मेरी वालदा ने बड़ी कोई अलहमद लाई मेहनत की थी मेरी वालदा हमें तरावी नहीं छोड़ने देती थी हमारा जब स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी तो खुद घर में फिर मेरी वालदा ने ज़बरदस्ती हमें मस्जिदों के अंदर घुसाया बाजू का होता यह था कि अभी भी मेरा छोटा भाई है उसको मस्जिद में भेज रहे हैं सबसे वो अभी ग्रेड टेन में है यानी मैट्रिक में जा रहा है तो उसके उसने माशाला उसका हिफसब अमां को कंसर्न है तो अम्मी ने बाकायदा एक मस्जिद वालों को छोटी मसाजद होती हैं लोकल मसाजि होती हैं तो बाद उसके बाद उनको अच्छी खासी आप डोनेशन देना और फिर तरावी के लिए रख लेते हैं तो अम्मा जी ने इस बार अच्छी खासी डोनेशन उनको दी है कि भाई आप जो है ना मेरे बेटे से तरावी पढ़ाए तो वो ज़बरदस्ती पढ़ाई और अम्मा पूरा उसके पीछे लगी पूरा रोजाना सपारा भी सुनेंगी उससे कोई बीस पच्चीस दफ़ा फिर उसके बाद उसको याद करवाएंगी फिर उसके बाद जाकर उसको भेजेंगी तो इस तरह होता है तो अब मैं अलमदुल्ला मैंने दस साल अपनी तरावी पढ़ाई है पिछले दो साल मैं दौरा कुरान पूरा पूरा करवाया अलमदिल्ला तो मैं नहीं पढ़ा सका क्योंकि हमारा वो पूरा

हालाँकि बहुत सारी मसाजत हैं बट हफाज उससे भी बहुत ज्यादा है मैं तो, तो मैं भाई ये समझता हूँ बिल्कुल ऐसे मैं, मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ कि हमारे वैसे फ़ीरी इख़तिलाफ़ है इस मसले में लेकिन मेरे नज़दीक तो हम लोग मैं तो समझता हूँ कि तरावी यानी तहज्जुद की नमाज तरावी है तो बेहतरीन तरावी तो ये है जो इंसान आखिरी यानी अकेले में पढ़े घर में पढ़े और शहरी के टाइम पढ़े क्योंकि वो टाइम होता है असल में तहजुद का ये कन्वीनियंस के लिए उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने ईशा के, के बाद आप पढ़ लें तो अगर अगरची इख्लाफ मैं वो डिस्क्लेमर दे रहा रो साथ लेकिन तो अगर आप घर में अकेला प्रेफर्ड है कि घर में पढ़ें और अकेले पढ़ें तो वो बंदा जो घर में पढ़ सकता है अपनी फैमिली को बेगम को साथ बच्चों को साथ करके माँ बाप पढ़ें बच्चों को आगे खड़ा करें खुद कुरान सुने पूरा बड़ी खुशी होती है जब बेटा पढ़ रहा होता है कुरान तो आप पूरा सुने वो और डेडिकेशन बहुत आती है है तो तो बेस्ट है ये तो शेख आप uh, हिफादल मुकम्मल किया इंग्लिश ए बी सी लिख रहे हैं आप ग्रेड फाइव में, ग्रेड <laughs> ग्रेड ग्रेड 5 में तो जस्ट फॉर यू नो वो जो एक एहसास से कमतरी है ठीक है आई थिंक इवन दुबई में तो और भी ज्यादा हो गए धाबी में थे दुबई में थे बड़ा मुश्किल काम था अल्लाह के शुक्र है बस ये बाकी एहसास कमतरी एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स रहा है बड़ी देर तक और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना कुछ चीजों में अल्लाह ताला ने बड़ी एक, आ, मुझे अच्छी दी मिसाल के तौर पे मैंने देखा था कि मुझे कुछ अल्लाह ने छोटी छोटी मिली जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था मेरी मेरी हाइट माशा दौड़ बहुत लगाता था थे अच्छा, ये ये मुझे बाकायदा मुलाकात हुई है तो मेरी हाइट लंबी थी तो मेरी दौड़ बहुत तेज थी माशाला तो मैं अपनी फुटबॉल टीम का जब

मुझे अल्लाह की तरफ से ना मेरे उस मेरे घर में ना मेरे शुरू हमारे शुरू में ना बाल बड़े बड़े प्यारे होते थे हमारी फैमिली में ना एक ट्रेंड है माशाल्लाह मेरे अपने बेटों के बाल बहुत सिल्की गोल्डन बाल थे तो लंबे लंबे मेरे बाल थे गोल्डन किस्म के तो हाइट भी लंबी थी गोल्डन था उससे मुझे ना अटेंशन भी बड़ी मिलती थी तो <laughs> इस वजह से यद ये अगेन ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे एक इंसान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज कंपेयर टू बाजू का ये चीज़ें नहीं होती तो इंसान बड़ा स्ट्रगल करता है इन चीज़ों में तो मैंने देखा अलमद जो फिर आ, ये था कि शुरू में तीन चार महीने मिली काफ़ी मुश्किल था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एट दी एंड ऑफ द डे फिर वो जब मैंने चीज़ें सीखना शुरू कर दी फिर अल्लाह ने मुझे हाफजा अच्छा हिफ्स की वजह से दिया था अल्लाह का शुक्र है तो जो मर्जी हो जाए मैं चीज़ें याद कर लेता था <laughs> मुझे आती है नहीं याद कर लेता था चीज़ों को तो उससे ये होता था कि मैं एटलीस्ट क्लास में जब कॉप कोप करना शुरू कर दिया तो फिर उससे मुझे फ़ील हुआ अलहमद के यानी आई कैन बी समथिंग लेकिन बहर एक Uh, जो है ना वो कमी कहीं ना कहीं आपको बैक एंड बैक ऑफ द माइंड आपको फे, फेस होती होती है लेकिन अल्लाह का शुक्र ऑफ द ऑफ टाइम अल्लाह ने फिर कैसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जिससे बहुत से खैर के भी काम हुए तो फिर एक कॉन्फिडेंस वगैरह होता ठीक गोइंग बैक योर एजुकेशन आपने फिर ओ लेवल्स किया आगे ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया था मदरसा स्टार्ट किया था प्राइवेटली किया, अच्छा, तो किया था अपने uh, था, था मेरा और क्लास uh, में भी सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग रखी थी फिर ए लेवल्स के अंदर फिर ये हुआ क्योंकि मदरसा स्टार्ट कर दिया था तो इंजीनियरिंग आपको पता है आपको प्रॉपर कॉलेज से करनी पड़ती है आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते प्राइवेटली नहीं कर सकते तो फिर मैंने क्या किया कि मदरसा सुबह जाता था तो इवनिंग में फिर मैं मैं में जाता था और फिर मैंने ए लेवल्स के एग्जाम्स दिए प्राइवेटली साथ ग्रेड ग्रूड कोई इतने अच्छे नहीं थे मैं पढ़ाई में इतना चल नहीं था टू तो बी वेरी ऑनस्ट तो अम्मा नहीं थी यहाँ पे तो अम्मा मुझे कहती थी बेटा अमी ने वन ऑफ द रीज़न अम्मा ने मुझे स्कूल से भी इसलिए निकलवा दिया अम्मा कहती तूने ग्रेड्स तो अच्छे लेने नहीं है ओ लेवल्स में मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आए थे तो तूने ग्रेड्स तो लेने नहीं तो मैं फूज में डबल फीस क्यों दूँ तूने ने जो एक बेर मैं वो थोड़ा बहुत पढ़ के मेरे एक बेसिक बेसिक पासिंग हो जाती थी ग्रेड्स आ जाते थे तो कहती थी बस ठीक है इस तरीके गुजारा कर तो फिर वो अलहद ला मदरसे में मैंने स्टार्ट किया नहीं तो, मदरसे जाने की ये चॉइस आपकी अपनी च नहीं मेरी नहीं थी मेरे <laughs> <अच्छाँगा। laughs> तो <था> <laughs> पैर मैं तो बल्कि रोता था जाके मेरे बड़ा मुश्किल था प्रसाद भाई मोहन भाई बहुत मुश्किल था मदरसा में जब मैं गया था मैं बाहर से आया था ओ लेवल्स करके था को एजुकेशन में पढ़ने वाला था मदरसे में जब आया तो ज़मीन पे बैठना और फटियों पे बैठना और फिर वो पंजाबी के अंदर नर... अच्छा वैसे तो हमारा उर्दू मीडियम था अरबी और उर्दू मीडियम मिक्स था लेकिन वो असल में बैकग्राउंड ऐसे था लोगों का जो आए हुए थे कि काफ़ी मुश्किल होता था मुझे उनके साथ कोप करना और वो वे पंजाब फिर मज़ाक भी बड़ा उड़ा उड़ाते थे मेरा तो वो यानी मुझसे फिर मैं इंग्लिश के लफ्स बोलता था मेरा मेरा हंसते थे मेरे ऊपर सारे तो आई लट यही एक वक्त था कि जब मैं यानी इस बात पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था कि जी मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती हाँ। और अब मेरे साथ तो उल्टा, उल्टा हो गया मुझे उर्दू नहीं मुझे बोली जाती तो उस पर मैंने काफ़ी टू दी एक्सटेंड के मैं रोना शुरू हो गया एक दफ़ा तो मैंने अम्मी से कह दी मैंने नहीं जाना मधिर से नहीं जाना आके पकायदा मैं हालांकि मैं उस टाइम बोले कर चुका उसके बाद मैं रोना शुरू हो गया मैंने कहा मैं नहीं जाना मुझे इतना वो सब बलेटिल करते हैं आज जाके लेकिन फिर अलहमदिल्ला का शुक्र है कि वो अम्मा जी फिर अगेन वही मेरी जैसे आपने कहा अम्मा जी ने कहा ये जो मर्जी हो जाए इधर से कोई छुटकारा नहीं है तो फिर बस अलहमद ला आता आहिस्ता मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मदरसा पढ़ना शुरू किया तो साथ मदरसा शुरू कर दिया था मेरा मेरे अंदर वैसा वैसे टू वी वेरी ऑनस्ट मेरी मेरी चेंज एक्चुअली मदरसे से नहीं हुआ यानी इवन मदरसे के अंदर भी जाके आई जस्ट के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है जिस तरह हम स्कूल पढ़ते हैं माँ बाप बे, भेज रहे हैं ओलेवल्स कर रहे हैं भाई हमने कोई शौक से थोड़ी ओले हुआ पूरी कर रहे हैं तो मदरसा भी मैं खानदारी लगेज ही पूरी कर रहा था ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिर एक चेंज आया मेरे साथ खास तौर पे एंड इफ यू थिंक अगर आप कहते हैं तो मैं बताता हूं उसके जी 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 ओके इसी चेंज चेंज तक हां मेरे हो सकता है अभी तक तो मजबूरी चल रही है अभी तो चल रही है तो चेंज ऐसे आया था कि फिर मैं ए लेवल्स में था तो दोस्त अच्छा ओ लेवल्स में मेरी एक बहुत ज्यादा खराबी की बहुत बड़ी वजह ये थी अच्छा मैं यूएई में था इतना ज्यादा चेंज नहीं यानी ओ लेवल्स के अंदर दोस्त जो पाकिस्तानी दोस्त थे उसकी वजह से एकदम मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दीन से दूरी आ गई और फिर वही टिपिकल जो टीन्स के होते हैं मसले तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा अल्लाह ताला तो की आसानी मेरे साथ ये थी कि मेरे साथ आसानी ये थी कि <laughs> मुझसे ना यानी मुझसे ना मेरे लिए बुराई मुश्किल थी यानी मैं जो भी बुरा काम करता था ना अल्लाह की तरफ से मैं पकड़ा जाता था <laughs> और मैं समझता हूँ ये बड़ा एहसान होता है अल्लाह का कि जब आपके लिए बुरी बुराई मुश्किल हो जाए और नेकी आसान हो जाए पता नहीं अल्लाह की मेरे पर क्या रहमत थी कि मुझसे कोई भी आज तक तो कोई बड़ा बुरा काम नहीं हो सका मैंने करने की बड़ी कोशिशें की अपनी तरफ से अल्लाह माफ़ करे लेकिन अल्लाह ने मेरे पर पता नहीं क्या नजर गर्म फरमाया कि जब भी मैं कुछ छोटा सा होता था बात तो एकदम मुझे पता चल जाता कई दफ़ा एक मेट एक मुझे याद है कि एक छोटी सी बात फजूल सी बात है वैसे छोटी सी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक लड़की के बारे में ऐसे ही हम दोस्त बात कर रहे थे तो हमारी हमारे स्कूल में ना क्लास में नई लड़की आई तो ऐसे ही मेरा कज़न भी था मेरे साथ तो हम ना फोन पर बात करें रात को उस समय में फ़ोन अभी नहीं आए थे हमारे पास वो था फ़ोन बहुत कम होते थे <coughs> तो मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं ऐसे ही फ़ोन पर बात कर रहा था रात को ना बारह एक बजे तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़की से ना सलाम दुआ करता हूँ दोस्ती वगैरह करता हूँ तो मैंने ना रात को ना अपने दोस्त से बात करा फोन पे अच्छा मुझे क्या पता था अम्मा जी का कमरा साथ था अम्मी अच्छा अम्मी कुछ देर के लिए पाकिस्तान आ गई जब मैं आया था अम्मी मेरे साथ आ गई अबू वहीं पर थे दुबई में तो मैं फिर ना फोन पर बात कर रहा हूँ रात को बारह एक बजे तो मैंने उससे बात करा मैंने कहा यार वो ऐसी है वैसी है तो मुझे क्या पता था कि अम्मा जी उठ के ना अच्छा मेरा कमरा अलग था अम्मा जी कमरा अम्मा जी साइड पर आकर ना सुन रही मेरी सारी बात <laughs> ओ, सो अम्मी ने मेरी पूरी बात सुनी सुन के बाद जब मैंने फोन रख दिया तो मैंने कहा अच्छा बेटा इधर आओ एकदम मेरे तो आसान खत्म हो गए <laughs> <laughs> <ये> <laughs> <दी>, <laughs> <थी। laughs> अच्छा मैंने बहुत सी बातें ना अपनी तरह से बनाई थी बेचारी mm. पहले दिन नहीं मैंने कहा वो मेरी तरह देख रही थी ये कह रही थी वो अपनी तरह से मैंने इतनी बातें मैंने झूठ बोला ऐसे ही हम दोस्त आपको बहुत ब्राग करते हैं आपस में अल्लाह माफ करो मैंने बकवा और अम्मा जी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तो अच्छा ये बेटी तुम किसी की तो पता है किसी की बहन है वो किसी की माँ भी बन जाएगी कल को और तुम किसी के साथ ऐसे सुन रही हो तुम तुम्हें सोच नहीं तुमने कभी सोचा नहीं ऐसे तो ऐसा करता हूँ मैं उस लड़की से मिलूँगी जाके कल ना और उसकी वालदा को भी बुलाऊँगी कि और मैं उनसे माजरत करूँगी कि मेरा बेटा जो है ना आपके बारे में ये उफ और मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हम अच्छा हमारी प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे एक स्कूल है द ग्रीन स्कूल है टाउनशिप में मेरे खानदान के काफ़ी लोग वहाँ से उन्होंने एलेवं लेवल्स किया उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो जो स्कूल है वो एक ब्रिटिश कन्वर्ट मेरी काफ़ी फैमिली इंग्लैंड में होती है तो ब्रिटिश कन्वर्ट हैं उन्होंने बेसिकली ये स्कूल खोला वो है खातून है कन्वर्ट है तो काफ़ी अच्छा सुन का उनका एक विजनरी स्कूल जिसे कहते हैं ना दीन इलिहा से काफ़ी विजनरी उनका स्कूल था तो इसलिए फैमिली चूंकि रिलेशन थे उनके साथ तल्लत थे इस वजह से हम सारे पूरा खानदान मेरी बड़ी बहन भी वहाँ से पढ़ी हुई है मेरे छोटी बहन भी वहाँ से पढ़ी है मेरे कज़न्स वगैरह सारे वहाँ से पढ़े हैं मैं तुम्हें उनसे भी बात करूँगी वो तो उस टाइम अकबर मैंने फिर लिटरली मैं रो रो के रहा मेरी परेशानी मैं समझ में क्या करूँ फिर मीनी अम्मी ने मेरे कज़न को फ़ोन किया वो मेरे साथ मेरी क्लास वालो था उसको भी सुनाई तो वो कहता जी मैंने तो कुछ नहीं किया तो मुझे की बातें है मेरे पर डाल दी सारी बातें अल्लाह अकबर उसके बाद से मैंने कह दिया यार बुराई इज़ नॉट <laughs> ये, ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो मैं बेहतर है पीछे ही रहूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे हैपनिंग्स हुई अपनी लाइफ के अंदर कि उसके बाद मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं और अल्लाह ने मुझे इस से ना बहुत जब भी कोई इस तरह का मसला होता था ना तो अल्लाह की तरफ से वालदेन को पता चला था और मेरे दोस्तों के यहाँ मेरा मशहूर था ही इज़ बैड एट हाइडिंग स्टाफ तो इसे कुछ नहीं बता रहा <laughs> अच्छा बहर तो कहने का मतलब है कि वो एक दफ़ा मैं आ, फिर हुआ ये कि ए लेवल्स के अंदर जब मैं प्राइवेटली दोस्त थे साथ साथ तो मदरसों के अंदर बस जा रहे थे तो बल्कि ए लेवल्स भी ख़त्म हो गया मेरा मुकम्मल इसके साथ साथ फिर मैंने ए सी से ज्वाइन किया मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरे वालदा का दिल था कि मदरसे के साथ साथ जो है ना साथ साथ एजुकेशन भी चलती रहे तो ए सी ए वॉज कन्वीनियट नया नया आया था और उसके बहुत सी ऑप्शन उसमें बी एस अपलाइड अकाउंटिंग की भी एक ऑप्शन थी मैंने कहा चल बस पी कर लेगा उसके बाद ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी से ना बस पी होता है तो मुझे मैंने कहा कि ये साथ कर लेगा तो इवनिंग में दोनों चीज़ें साथ साथ चल जाएंगी मेरी अम्मी की ये मेरे बारे में ये जो पूरी फैमिली के बारे में स्ट्रैटी होती है बच्चे को मसरूफ़ रखो यानी जितनी भी यूथ है ना इनको हाँ। इतना खपाओ बुरी तरीके से कि इनके पास बुराई करने की सोच ही ना दिमाग ही ना जाए मतलब मुझे याद है कि मैं सुबह मदरसे जाता था सुबह छह बजे मेरी क्लास शुरू होती थी जोहर तक मैं मदरसा मदरसे के फोन बाद अच्छा मुझे अम्मी से शिकायत होती थी मुझे आप ना पॉकेट मनी कम देती हैं ने कहा एक काम करो तुम्हारा ओ लेवल्स कर लिया तुमने तो तुम ना ऐसे ट्यूशन पढ़ाओ जितने पैसे मिलेंगे सब तुम रख लेना मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी पैसों के लिए और फिर मैं दो घंटे ट्यूशन पढ़ाता था ओ लेवल्स को उस जमाने मैथेमेटिक मैथ मेरी अच्छी थी मैंने मैथ्स पढ़ानी शुरू कर दी तो पाँच छः मुझे स्टूडेंट्स मिल गए अच्छे मुझे पैसे मिले अच्छे तक गया पाँच छः हज़ार रुपये मिल जाते थे बड़े अच्छे खासे मिली बहुत ज़्यादा होते थे और उसके बाद फिर ये होता था कि अस, असर के असर के वक्त से ले असर से लेकर रात आठ नौ बजे तक मेरा कॉलेज होता था ए का और ए की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है यानी चार्टड अकाउंटेंट अच्छा खासा आपकी जान लेती यानी मैं पूरा दिन मैं फुली ऑक्यूपाइड होता था तो इसीलिए वो फिर छुट्टियों में कभी कोई छोटी छुट्टी हो गई तो कोई उसमें कोई दोस्ती वगैरह के साथ लेकिन दिन में ऐसा इतना शौक जौक नहीं था हुआ ये था कि फेसबुक ने, ने आया तो कहानी से स्टार्ट हुई मेरी चेंज की कि फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने एज़ यूजुअल फेसबुक पे अकाउंट्स बनाए और एज यूजुअल हम उल्टे सीधे काम करने फेसबुक में आपको पता है जो लोग करना चाहते हैं उससे पहले ऑर्कट होता था शायद आपको याद होगा तो ऑर्कट भी हम यूज़ करते थे तो फेसबुक के अंदर ना हुआ ये कि जब नया नया आया तो उस वक्त ना फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन सबसे पहले जब फेसबुक आया तो कुछ देर बाद उन्होंने ना एक ड्रा मोहम्मद डे बहुत पहले शुरू में शायद आपको याद होगा सबसे पहले एक कॉन्टेस्ट उन्होंने अनाउंस किया था कि अल्लाह के रसूल के कार्टूस बनेंगे और एक कॉन्टेस्ट है जो इसमें कार्टूनस बनाएगा उसको पता नहीं ये अवार्ड मिलेगा तो मुझे याद है कि ये ड्रा मोहम्मद डे के नाम से एक कॉन्टेस्ट मशहूर हुआ था लिहाजुबिल्ला तो अच्छा जब ये मशहूर हुआ तो इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर इनके खिलाफ जो है वो फेसबुक के ख़िलाफ़ हुई बात तो एज़ यूजल हमने बॉयकाट हम सारों ने कहा जी बॉयकाउट करते हैं इनसे अच्छा हुआ ये कि बॉयकाउट जब हमने किया तो अच्छा इतनी शर्मो हयात तो थी मदरसे में हम पढ़ रहे थे तो शर्मो हयात बेसिक उल्टी सीधे काम करते थे लेकिन अल्लाह के रसूस की मोहब्बत और ये सारी चीज़ें ये चीज़ ये हमारे दिल की बात तो हमने क्या किया कि मैंने वो हम सारे दोस्तों रहे इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड अदर फ्रेंड्स जो अभी मदरसे में नहीं थे हम सब ने क्या किया कि अपने फेसबुक के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर लिए और हमने कहा जी बॉयकाउट हम कभी नहीं यूज़ करेंगे अच्छा पहले भी कोई अच्छे कामों के लिए नहीं यूज़ करते थे। तो हमने कहा चलो यार ख़त्म हो गया अच्छा अल्लाह की तरफ से हुआ ये कि मेरे मामू हैं शेख शेखनस हमारे काफ़ी उसताद हैं यूथ क्लब के काफी माशाल्लाह स्पीकर्स के उताद भी हैं तो वो मैं उनके साथ रहा हूँ वन ऑफ द रीज़न्स मेरे चेंज में बहुत बड़े मेरे बेंटो भी थे वो अच्छा मामू के साथ ही रहता था मैं नानी के पास रहता था अम्मा चुके बाहर होती थी कभी आ जाती थी फिर कुछ देर बाद चली जाती थी तो हुआ ये कि वो मामू मेरे साथ थे तो मुझे कहते हैं कि एक मैं ऐसे ही मामू के पास मिलने आया मदरसे से फ्री होके तो मैंने देखा कि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो मैंने मामू से कहा मैंने कहा मामू आप ये हम सारे हमने बॉयकॉट किया हमने किया आप आप तो ालिम हैं और आप हमें जो है यूनिवर्सिटी से हमारे सामने पढ़ा हुआ था तो मैंने कहा कि हम लोग तो छोड़ के बैठे आप लोग तो क्या रहे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने तो अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया इसका और वो एक्सप्लोर कर रहे थे उसने में बैठ गया अच्छा इसमें क्या क्या ऑप्शन तो मैंने कहा जी एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं आप तो कहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि बेटा मैंने तो अभी इसीलिए अकाउंट बनाया कि और मकसद मेरा ये है कि मैं इसको ना दीन के लिए भी इस्तेमाल करूँ यानी यही वो वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहन की है तो अब हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे नेकी के काम के लिए तो मैं तो कहता हूँ तुम सब लोग क्या करो अपने अकाउंट्स एक्टिवेट करो और अब अल्लाह ताला से यानी ये अहद करो कि तुम इसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे अच्छे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो अच्छा वहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार वाकई ये तो अच्छी ये तो अच्छा एक आइडिया है तो मैंने दोस्तों से खास आरों से मैंने कहा यार हम दोबारा यूज़ करते हैं लेकिन अब हम ना इसे नेकी के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं अच्छा वहाँ से फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया वो हमने अपने अकाउंट्स एक्टिवेट किए मामू के साथ मिल गए हम लोग हमने कहा अच्छा बताएं क्या करना जी कहते हैं अच्छा हम उस जमाने में नई नई ऑप्शन आती थी ग्रुप्स की ऑप्शन होती है फेसबुक में उस टाइम पेज की ऑप्शन भी आई कुछ तो इस तरह करके एक ग्रुप बनाया मामू ने भी उसका नाम रखा इस्लामिक ब्रदर्स अच्छा जनरली इस्लामिक ब्रदर्स रख लिया कि अच्छा मैं मुख्तलिफ मैं हम क्या करते थे बैठते थे और ना रैंडमली लोगों को ऐड करते थे और फिर इस्लामिक पोस्टें करते थे अच्छा फड्डे भी करने का शौक़ था अच्छा मेरे मामू भी उस टाइम अनमेरड थे ने, ने, वो भी मदीना यूनिवर्सिटी से आए थे तो वो जो कहते ना यूथफुल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा <laughs> तो हम लोग को फड्डे करना यहाँ पे ना फतवे लगाना अख्लाफा करना फलां को ये करना फ़लह ये करना तो फुल हम लोग मदरिस में पढ़ भी रहे थे साथ साथ तो फुल फ़िकी इला और वो हमारे फ़िरका वारिय काम सीन ऑन किया था हमने तो इस्लामिक ब्रदर्स से अच्छा वो <laughs> अच्छा, तो हम कहते तो ग्रुप में बंदों को ऐड करते जाते हैं जो भी आता उसको ऐड कर लेते हैं अच्छा अब हुआ ये कि वो इस्लामिक ब्रदर्स में इस तरह ऐड होना शुरू हुआ तो उसमें हमारे पास मोहम्मद अली भाई और ये तीन चार कुछ भाई थे यूथ क्लब के वो शामिल हुए फेसबुक <laughs> पर अच्छा ये बेसिकली वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है तो अच्छा वो हुआ ये कि ये जो मोहम्मद अली भाई वगैरह मेरा जवाब ये है ये तब की बात है बहुत पहली बात है तो उस वक्त ये लोग जब ऐड हुए तो अच्छा इन लोगों ने क्या किया कि, अच्छा ये लोग भी बड़े एक्टिव थे अच्छा हम ग्रुप के अंदर फिर बहसें करना शुरू की अच्छा हमने वो अलमदिल्ला ग्रुप फिर ना आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े से हमारे मेचोरिटी भी आई तो हम लोगों ने उसके रूल्स सेट किए कि जी आपने क्वेश्चन पूछने तो ये रूल्स होंगे और हमने उसको ना काफ़ी ज़्यादा और फिर क्वेश्चन आंसर मामू जवाब देते थे हम लोग फिर बहस भी करते थे हम लोग ग्रुप को ना मेनटेन किया हुआ था हमने उसके स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए हुए थे अब हुआ ये कि जब अली भाई वगैरह आए तो अली भाई माशा एक्टिव थे वो भी इस तरह के तो हम लोगों ने उनको भी एडमिन बना दिया और भी कुछ और भी भाई थे यूथ क्लब के इनिशियल ब्रदर्स तो उस ज़माने में मुझे याद है कि जब वो भाई बैठे हुए थे तो हम लोग ये बहसों में वैसा करते थे तो वहाँ से फिर इन लोगों ने मिलना फिर हमें मिलने शुरू आया मिलना इन्होंने शुरू किया मोहम्मद अली भाई मिलने आए एक दफ़ा के कि यार हम आपसे मिलते फैसला बाज़ होते थे अच्छा तो फिर ये लोग आए तीन चार भाई और भी कौन से भाई थे जिन्होंने यूथ क्लब लाहौर की बुनियाद रखी थी उस वक्त यूथ क्लब नहीं था तो उस ज़माने में जो है ना यूथ क्लब इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ सिस्टर्स ने स्टार्ट किया था और फिर हुआ ये कि हमारा इस्लामिक ब्रदर्स बहुत यानी ग्रुप बड़ा मशहूर था टू दी एक्सटेंड आपको सिस्टर सारा चौधरी का पता होगा माशा और ये उस टाइम था जब वो दीन की तरफ कन्वर्ट हुई थी दीन की तरफ आई हुई और ऐसा अच्छा, हमारा ग्रुप का स्टैंडर्ड अच्छा हम लोग अपने बड़ा प्राइड भी फील करते थे जी हमारा बड़ा स्पेशल ग्रुप है और यहाँ पर बड़े सख्ती भी और बड़ा ना अच्छा आप मेल्स फीमेल्स आपस में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते डायरेक्टली बड़े हमने इस तरह के प्रोटोकॉल्स रखे हुए थे तो सिस्टर सारा चौधरी ना वो वो हुई और उन्होंने ना हमारी जो ग्रुप में फीमेल एडमिन थी ना उनको कहा कि मैं सारा चौधरी हूँ और मैं दीन की तरफ आई हूँ तो मैं चाहती हूँ मैंने अपना एक पेज अच्छा नई नई ऑप्शन आई थी पेज बनाने की भी उन्हें मैंने पेज बनाया और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग ऐड है एडिड हैं उस पेज के अंदर ये मुझे फॉलो कर रहे हैं जो ना सेलिब्रिटीज़ हैं और आप उनको रीच आउट करें और उनके ना सवाल सवाल होते हैं तो आप लोग माशा मैं देखती हूँ कि जवाब देते हैं तो प्लीज़ आप उनको रिस्पॉन्ड किया करें तो आप मेरे ग्रुप को मेरे पेज को मैनेज मैनेज करें हमने कहा जी ये कॉल सारा चौधरी हमारे पेज के अंदर हम मैनेज करें अरे इस वक्त हमें ये अपने आपके बारे में ये था कि हम बड़े कोई स्पेशल लोग हैं तो हमने उनसे कहा पहले कहा हमने कहा ये यार कोई ऐसी अटेंशन सीकर ना हो तो पता करें पहले उस जमाने में स्काइप तो उन्होंने स्काइप पे कॉल की उनके साथ तो उन्हें कहा मुगरा भाई ये वाकई है ना हमारा ग्रुप था हमारी ग्रुप डिस्कशन होती थी तो कहती थी वाकई ये वही सिस्टर सारा चौधरी है अच्छा उनके हस्बैंड है फैसला खून ज्यादा वो भी उसमें ऐड हुए तो सिस्टर सारा के ना तो वो भी थे वहाँ पे मौजूद तो वो भी बड़े माशाल्लाह हमसे डिस्कशन वगैरह करते बड़ी रिस्पेक्ट करते अभी भी माशाल्लाह उनसे बड़ा अच्छा तल्क है तो फौ... फिर हमने उन्होंने कहा जी वो सिस्टर सारा कह रही है क्या हमारा पेज मैनेज हमने कहा नहीं जी ऐसे नहीं होगा आप उनसे कहें कि जी आपको कोई भी अपना पेज चलाना है तो हम कोई उनके नौकर थोड़ी अलावा करें ये हमारा अंदाज था हमारी बहन है बेचारी तो हमने बड़े रूडली उनके साथ रिस्पॉन्ड किया उनको कि जी अगर आपको कोई मसला है, तो आप ऐसा करें कि सवाल एज़ पर फो रूल्स वो लिखा करें 24 फोर आवर्स के अंदर आपको जवाब मिलेगा और ये ये कंडीशन होंगी तो ठीक है आप लोग खुद करें हम आपके पेज कौन चलाएंगे क्यों चलाएंगे तो बेचारी बड़ी डिसअॉइंट हुई हमारे हुँँ साथ लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ बड़े अच्छे तल्क फिर हमारे बन गए तो ये बेसिकली वो टाइम था अच्छा उस जमाने में इस्लाम इस्लाबाद में यूथ क्लब की बुनियाद रखी उन्होंने तो फिर उन्होंने लाहौर में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप में से कोई भाई जो है ना यूथ क्लब चलाएं तो हमारी इसी इस्लामिक ब्रदर्स के ग्रुप में से ही कुछ भाइयों ने अच्छा हमारी अजीब बात है आई वाज वन ऑफ दी मैं अगेंस्ट था मैं और मोहम्मद अली भाई शुरू में अगेंस्ट थे यूथ क्लब के लाहौर में बनने के हमने कहा भाई हमारे पास इस्लामिक ब्रदर्स है तो आप ऐसा करें कि इसी को हम चलाते हैं वो इतना मशहूर हो गया था उन्होंने कहा नहीं यूथ नहीं, क्लब की एक वाइब डिफरेंट है उसका नाम टाइटल ये टाइटल थोड़ा सा वो है मतलब नंबर ऑफ रीजनस थे तो हमारे ही कुछ भाइयों ने क्या किया कि यूथ क्लब लाहौर की टीम के उन्होंने फिर बेसिकली अभी वो हमारे साथ टीम में तो उन्होंने क्या किया कि वो बनाया और फिर हमारे शुरू में आपस में इख्तलाफ भी बढ़ा रहा था लेकिन फिर टू दी एक साइड एक वक्त आया कि वी यू नो केम इन टू टर्म्स ईच अदर और अलमदिल्ला अब जो है ना तो दैट वाज़ इन्हीं जर्नी कि फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर मैं दीन का शौक वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा मेरा शुरू हो गया

एंड बहुत सारी दफ़ा दफ़ाई नोटिस ये बड़ा जो है ना एक, एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है इस चीज़ के एतबार से मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कभी कभी मेरी तो अक्सर कोशिश होती है बल्कि अगर हम क्लास में ब्रेक हो नमाज के लिए तो मैं किसी स्टूडेंट को तो पढ़ाओ नमाज अच्छा वो जैसा भी हो मुझे करनी है और वो पहले तो सर मैं पढ़ाऊँ मैंने मुसलमान नहीं ठीक है पढ़ाओ ठीक है या अजान दो एक करो तो वो एक थोड़ा हमारे यहाँ बी एन में जुम्मे होता है तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जुमे की अज़ान आपने देनी है अब अच्छा वो बच्चा जो भी करके आ रहा है जब वो जुमे की अजान देता है ना पीछे मजमा भी है उसको एक तो वो एक नोशन है ना बंदा अपने आप को बिकॉज हमारा वो इतनी क्लियर बाइफरकेशन है ना कि यार अबा जी का जनाजा भी कारी साहब ही आगे बढ़ाएंगे ठीक है मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है डी यू थिंक दट हेल्प इन इन वन सेंस की बिकॉज जब आप वो मुस्लिम ब्रदर्स रन कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं तो यू हैव टू ऑफ यू नो स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू मी नाउ ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी बल्कि आपने बात की और मैं समझता हूँ आपको मुझे ना अफान बजे जब मैं यूथ क्लब में हमने स्टार्ट किया था अच्छा अच्छा भाइयों ने स्टार्ट तो कर लिया तो हमारी आपस में अख्तलाफा तो रहते थे लेकिन अल्टीमेटली होता कोई भी नहीं बनना था तो आ जाके मुझे ही दर्श देने पड़ते थे लेक्चर्स देने पड़ते थे शुरू में तो मुझे याद है कि मैं यूथ क्लब में जाकर ना सेशन्स दिया करता था टू तो बी वेरी ऑनस मुझे कुछ ना आता नहीं था मेरा कुछ नहीं था मेरे पास मैं मदरीसे का स्टूडेंट था और मुझे याद है कि मुझे कोई <laughs> लेकिन वो एक ना एक मुझे जब उस पेडस्टल पर पे बिठा दिया गया ना कि अब आप हैं और मेरे सामने माशा मेल्स भी बैठे हैं फीमेल्स भी बैठी हैं और मैं उनको दीन की बात बता रहा हूँ मैंने सोचा यार अल्लाह मतलब मेरी ओकात क्या है सुबह मुझे मतलब इंसान को खुद पता चलता है उस वक्त बल्कि ये होता है कि नया नया जब आप इल्म हासिल करना शुरू करते हैं तो आपको शायद लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको एहसास होता है कि जी आपको कुछ नहीं पता चला वो कहते हैं ना तीन फेजेज़ होते हैं वो तो ला कहते हैं पहला फेज़ होता है कि आपको लगता है आपको सब कुछ आता है फिर दूसरा फेज़ होता है फिर आपको एहसास होता है ना लोगों और लोगों को भी बहुत कुछ आता है फिर तीसरी फेज़ पर ऐसा होता है को समझाते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता था, था, था। तो मैं एटलीस्ट शुरू वाली फेज़ में से गुजर चुका था कि जिसमें मैंने समझा था कि यार मुझे बहुत कुछ आता है सेकंड फेज़ में था मैं कहता यार बाकी और भी लोग हैं तो मुझे एहसास होता था मैं कहता यार मैं तो बहुत ही छोटा आदमी तो मुझे फिर अल्लाह की तरफ से थोड़ा सा ये भी फील होता था कि अल्लाह ने मुझे भी नहीं इस मका तो मुझे शौक़ था मैंने 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 फिर मुझे मुझे अल्लाह के शुक्र एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि मैंने यानी उस वक्त के मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना है और मुझे ना क्योंकि मेरे साथ ना स्पीकर्स थे अच्छे और कई अतबार से मुझसे अच्छा बोलते थे मोहम्मद अली भाई वगैरह कई अतबार से मुझसे अच्छा माशाल्लाह बोलते मैं भी, भी समझता हूँ तो मैंने कहा यार मेरा मतलब व्हाट एम आई डूइंग यार तो फिर मुझे स... ख्याल आया कि यार मुझे अल्लाह ने दीन का इल्म दिया है और मैं मदरसा पढ़ रहा हूँ और मैं मुझे अल्लाह ने इस सीट पर बिठा दिया तो आई हैव टू मतलब मेरे ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शायद उनके ऊपर नहीं है यानी मैं अगर मतलब मेरे मुझे इस बारे में ज़्यादा हसासियत थी कि मैं जब बोल रहा हूँ मुझसे गलती ना हो मैं अगर कोई आयत पढ़ रहा हूँ तो मेरी गलत आयत ना या तजमा गलत ना कर दूँ हदीस गलत ना पढ़ दूँ अच्छा उनके लिए तो एक्सक्यूज होगा शायद कि वो मदरसे से नहीं पढ़े मेरे लिए एक्सक्यूज़ नहीं है सुफहान अल्ला और अभी भी ऐसा होता है सुफान यानी जब मैं बोलता हूँ या फिर किसी लेक्चर सेशन में जाता हूँ तो बाजूत मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है एज़ कम्पेयेयर टू अदर्स और लोग हरान होते हैं कि भाई आपको क्या करने की ज़रूरत है तो मुझे ना वो एक जैसे आपने कहा ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी फ़ील होती है

अच्छा गोइंग बैक टू योर एजुकेशन तो आपका मदरसा ओ वी सी साथ, साथ मुकम्मल हुआ एंड आपने ए सी सी ए किया जी जी मदरसा और ए सी सी मेरा इकट्ठा साथ मुकम्मल हुआ ठीक है तो उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर मैंने जब ए सी सी ए करने के बाद फिर मैंने आ, फिर मैंने एम फिल स्टार्ट किया पाकिस्तान में फिर मैं आ गया फिर मैं दुबई तो चला गया था सर दर में ए सी सी ए करने के फ़ौरन बाद ए सी सी मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था मैंने दुबई में मुकम्मल किया मदरसा मेरा जल्दी मुकम्मल हो गया था ए सी सी के मेरे लास्ट एग्जाम्स मैंने दुबई में दिए थे जाके फिर वहाँ से फिर मैं वापस फिर मैंने जॉब शुरू कर दी और जॉब शुरू करने के बाद फिर मैं वहाँ पे मैं दावती कामों में मैंने अलमदा एक्टिव हो गया वहाँ पर पे ख़ासतौर पे इंग्लिश मॉस्क्स हैं जुमरा की मशहूर मसाजिद है वहाँ पे अगर आप जाएँ आपने खाली में इमामत भी की मैंने इमामत त्ररावी बस पढ़ा था, द्रावी था, था द्रावी में। द्रावी में। इमामत नहीं की सिर्फ तो मैं जुम्मा खुतपा पढ़ाता था वहाँ पे अच्छा तो वहाँ पे एक दो इंग्लिश मॉस्क हैं तीन मुझे पता है वहाँ पे थी जुमेरा के अंदर तो वहाँ पे मैं जाता था मेरा खुतबा होता था दो तीन और भाई थे कन्वर्ट मुस्लिम्स थे तो हम लोग तीनों का एक तीन चार बंदों का भाइयों का ग्रुप था तो हमें औका ने परमिशन दी थी कि आप खुतबा दे सकते हैं तो हम लोग इंग्लिश में खुतबा देते वहाँ पर ज़्यादातर कन्वर्ट्स आते थे तो वहाँ पर मैंने शुरू कर दिया फिर वहाँ पर कुछ इस्लामिक सेंटर्स थे वहाँ पर मेरे लेक्चर शुरू हो गए वहाँ पर मैं अबू जबी में भी एक आपको आई सी शायद पता होगा इस्लामिक कल्चरल सेंटर वहाँ पर मेरे बहुत रमज़ान में दौरे कुरान भी होते रहे सेशन भी होते रहते थे तो वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहा फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पाकिस्तान में रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली मैं ऐसी छुट्टियों के लिए आया था तो मुझे मौका मिला उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास एक तरबीआई डिपार्टमेंट इनका था हमारे पास वहाँ पे पोजीशन है तो एज ए हेड के तौर पे तो आप ज्वाइन करें तो मैं वैसे ही चला गया कि मुझे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया मैं वैसे चला गया तो मैं जब गया तो मुझे बड़े अच्छा लगा क्योंकि असल में दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये कि आपकी ना यानी प्रोग्रेस दीनी प्रोग्रेस बहुत स्लो है यानी वो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर अचीव करनी थी वो मैं पहले दो साल में मैं अचीव कर चुका था पहले अगले तीन साल में आए जस्ट रिपीटिंग दो थिंग्स यानी मैं सोचा था कि मुझे उन्होंने बहुत यानी उधर ना रिस्ट्रिक्शन हैं कई अतबार से यानी आपको बहुत प्रोटोकॉल्स को फॉलो यानी आप इमेजिन करें कि मुझे मेरा लेक्चर होना होता था तो मेरा लेक्चर जो है ना वो क़ायदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से प्रूव होता था फिर जाके मैं लेक्चर दे सकता था तो तो टॉपिक्स पर कैदा प्रूव होते थे जाके अच्छा ये बंदा इसकी प्रोफाइलिंग है उसके बाद आपको इजाज़त मिलती थी तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे किस तरीके से मौका मिले अनलेस यू आर अ बिग सेलिब्रिटी बिग शॉट है तो फिर कोई मसला नहीं फिर तो आप बड़े बड़े सेंटर्स में जाकर आराम से आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट आपके लेक्चर्स रखाएंगे मैं देखा मैंने कहा यार कोई खास अचीवमेंट यहाँ पे ऐसा एच नहीं है प्रोग्रेस नहीं है दीनिए एतबार से वही मैं तो कोई दो तीन सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही दुरुस्त दे रहा हूँ तो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो पाकिस्तान में आगे अलमदुल्ला जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा तो एकदम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अच्छा जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो अब मेरे ऊपर बोझ य था मैंने ए तो किया हुआ था तो उन्होंने मुझे एक पोजीशन तो दे दी तरबिया हेड की क्योंकि वो मैनेजीरियल पोजीशन थी लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ पे मैं सिर्फ ए सी हूँ प्रैक्टिकली मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी में आपको पता यू हैव टू बी एटलीस्ट पी एच डी और सर्टन लेवल आपके अकेडमिक आपकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए तो फिर यहाँ पर मुझे फिर वैसे पढ़ने लिखने का मुझे शुरू में से शौक था मैंने बताया कि मुझे शुरू से मदरसे की वजह से पढ़ने लिखने का शौक था तो मैंने दुबई में मुझे अलमद्ल मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया रीडिंग का मुझे बहुत शौक है अल्लाह का शुक्र है फिर लिखने के मुझे बहुत शौक है तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे फिर मैंने आते ही सबसे पहले फिर अपने आपको फिर एम फिल इस्क स्टडीज़ किया एम फिल के बाद मैं अलमदुल्ल डी कर रहा हूँ तो रिसर्च में ही चल रही है तो वो मैं यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे पुष्ट किया फिर मैंने रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू किए बुक्स लिखना शुरू की <hansâ> तो मेरा अभी भी यूथ क्लब में भी ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो पढ़ने <hansâ> लिखने पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ लेक्चर्स यानी मेरे टॉपिक्स so, आम तौर पे ज़रा थोड़े से एकेडमिक नेचर के होते हैं तो हम अगली दफ़ा जब आपसे पॉडकास्ट करेंगे तो हम डॉक्टर मेरा रिसर्च पेपर अभी थी चल रहा है तो,

वुड यू वॉन्ट टू चेंज दैट फैमिली लेगे हमारे जमाने के बच्चे में और आज के जमाने के बच्चे में बहुत फर्क हैिफ्ट दैट और वो अकोमोडेट कैसे करोगे बिकॉज आई थिंक हमारी जितने भी ऑडियंस है वो वो है जो आज के बच्चों को डील कर रही है वो उनको भी एहसास है कि यार हम एक ट्रांजिशन प्रोसेस में से गुजरे थे बट वहां पे माँ बाप की कमियां शायद हम उतनी चैलेंज नहीं करते थे आज okay. मेरी कमी को ना सिर्फ मेरा बच्चा देखेगा बट के बल्कि वो उससे ऑफेंड भी होगा और फिर वो आगे चैलेंज भी करेगा हाउ हाउ वुड यू सी दैट ये बहुत मुश्किल सवाल है और मैं समझता हूँ कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के सबसे बड़े मसायल में से एक मसला जो है ना वो पेरेंटिंग है और uh, मैं टू तो भी वेरी ऑनस्ट बताऊँ मोइन भाई मेरी अभी भी जिंदगी के अंदर अभी भी मैं मतलब अल्लाह ताला की मतलब मैं इसीलिए मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ समझता हूँ अल्लाह ने मुझे हम्बली इस तरह किया कि मैं समझता हूँ मेरी वालदा हो तो मैं अभी भी शायद पता नहीं क्या हूँ अल्लाह ने वालदा मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे पर ना अच्छा वो थोड़ी सी वो पुश भी करती हैं मुझे कई जगहों पे तो वट कैन आई डू विद माई किड्स इज़ अ बिग चैलेंज मेरी मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डिफरेंट है नेचर डिफरेंट है uh, मेरी मैं जो खुद लाओबाली थोड़ा सा लापरवास हूँ लाइट मेरा लाइटर नोट <laughs> तो मेरी अम्मा इस तरह नहीं है तो अब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मेरी मेरी बच्चों के लिए मैं कैसे करूँगा और टू बी वेरी ऑनस्ट आपकी बात दुरुस्त है कि यू हैव टू बी यानी आपको अपनी बच्चों से एक किस्म की ना ग्रेस है अल्लाह माफ़ करे आपको यू हैव टू बी अहेड ऑफ दम इन एनी वे इन एवरी वे तो अगर आप थोड़ा सा भी स्लो डाउन करेंगे ना उनकी पेस इतनी तेज़ है कि वह आपके हाथ से निकल जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए चैलेंजिंग है अच्छा एक चीज़ मुझे समझ आती है जो मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा ने मेरे अंदर बिल्ड की और वो शायद मुझे आई एम एंकरिंग टू दैट फॉर नाउ मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया आ, वो है बेसिकली एक स्टोरीज uh, मुझे याद है कि जो मुझे आज तक अपनी वालदा की जो चीज़ मुझे कई डार्क टाइम्स में मुझे जिस चीज़ ने हेल्प आउट किया था ना वो ये था कि मेरी वालदा ना हमें कहानियाँ बहुत सुनाया करती थी और उन ना हमारे साथ फजर के बाद एक कन्वर्सेशन होती थी ऐसे हम बैठ जाते थे तो हम बताती थी अच्छा एक तो कहानी सुनाती थी बहुत कहानियाँ हमने सुनी है सहीदिन इब्राहिम की नबियों की कहानियाँ सारी हमने जो है ना बचपन में सुनी हुई अच्छा मुझे अभी तक उनके हल्के हल्के याद है कि अम्मी ने क्या सुनाई थी फिर यहूदियों के बारे में मुझे याद है कि मुझे यहूदियों ने अल्लाह माफ़ करें उनका ये मशहूर अकीदा के अल्लाह ताली के साथ कुश्ती की याकूब आई स्लम ने तो अल्लाह ताली को हरा अली वह मैंने उस टाइम मम्मी ने मुझे सुनाई थी बचपन मुझे अभी तक वो उसका पीस याद है तो इस तरह की चीज़ें मुझे वालदा सुनती रहती थी तो एक चीज़ और मेरी वालदा ये करती थी, थी कि जब भी कोई इशू होता हॉट बर्निंग मेरी इज़ अप टू डेट माशाला वर्ल्ड uh, पॉलिटिक्स भी देखती रहती हैं चीज़ों को भी उनको शौक है तो <coughs> uh, जब भी कोई मसला होता तो वो ना हमसे जरूर डिस्कस करती थी, थी कि बेटा देखो आजकल ना फ्लाँ कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ देखो फ्लाँ की ज़िंदगी में फ्लाँ म्यूजिशियन ने सुसाइड कर ली फॉर एग्जांपल देखो म्यूज़िक जो है लोग ये करते उस ज़माने में कोई ज़्यादा समझ नहीं आती थी क्या बातें कर रही क्योंकि हम लोग इतना सुनते भी नहीं थे म्यूज़िक के इतना शौक वो लेवल्स ए लेवल्स में जाके म्यूजिक थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया था उससे पहले कोई तस्वु ही नहीं था तो वो म्यूज़िक म्यूजिक क्या होता है फिर मुझे याद है कि मैं ग्रेड सेवन में था पोर्नोग्राफी के ऊपर मेरी वाला ने एक आर्टिकल लिखा इंग्लिश में ना तो मुझे कहा कि तुम ऐसा करना जाके ना स्कूल के अंदर ना अपने मुख्तलिफ जो है ना वो सॉफ्ट बोर्ड्स पर लगा देना तो मैंने किया मैंने जाके कॉपीज अम्मा ने दी मुझे मैंने पकड़ के डाल दिया अच्छा मुझे खुद पता नहीं था पोर्नोग्राफी ऐसा है क्या आई लिटरली न्यू अम्मा ने बस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मुझे उस बारे में बताया तो मुझे याद है कि ये जो कन्वर्जेशन थी ना अम्मा की कि मुझे ना जब भी कोई बुराई की थी ना मुझसे गलती होती थी तो मुझे एक चीज़ का एहसास होता था कि यार ये चीज़ ना गलत है मुझे नहीं करना ये तो ये जो एक फीलिंग एटलीस्ट आप अगर बच्चे को ये दे देना ऑब्वियसली शी कैन नॉट बी ऑन मी ट्वेंटी फोर सेवन लेकिन एटलीस्ट ये एक फीलिंग अगर आप कम यानी मैं जो काम कर रहा होता था, था ना मैं मुझे पता होता था, था बुरा है और मैं उसको सही नहीं समझता था लेकिन मैं फिर भी कर रहा होता था लेकिन एटलीस्ट ये होना अभी देखें अभी बच्चों को तो अल्लाह माफ़ करे वो 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 इसी वो तो आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं अमां इसमें क्या मसला पता भाई आप हमारे ऊपर बोल रहे हैं मेरा ऐसा मसला नहीं था तो अलहमद ये चीज़ अम्मा जी ने ना मेरे अंदर कुछ जगहों पर अम्मा जी ने बड़ी हमें मेरी थोड़ी फैमिली ना टू बी वेरी रिलीजियस लोग समझते हैं काफ़ी लिबरल भी है कई अतबार से मेरी बहनों को फैशन का बहुत शौक़ है मेरी बेगम को बहुत फैशन का शौक है अगेन निकाब और पर्दे के अंदर ही लेकिन निकाब और पर्दे के अंदर वो वेस्टर्न फैशन अगेन वो वो कोई प्राउड समथिंग नॉट नॉट टू बी टू मच प्राउड ऑफ लेकिन बट एटलीस्ट वो आज़ादी है कि जार तुम इजाजत उस पर थोड़ा सा समझाती हैं कि ना करो देखो हमें ईस्टर्न ड्रेस भी जाना चाहिए लेकिन वो बस करती हैं तो फिर उनको इतनी सख्ती नहीं की जाती उस पे। तो थोड़ा सा एक एक ब्रीदिंग ब्रीदिंग की की भी भी थोड़ी सी हमारे स्पेस है की भी, लेकिन भी भी है लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता कि जो ना अम्मा जी की जो कन्वर्जेशन हैं और एक चीज को जो मैंने इंटेलेक्चुअली आप समझ लें कि आइडियोलॉजिकली जो उन्होंने हमारे अंदर चीजें डाली हैं ना वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ और दीन के अंदर ना, ना और ये आती हैं चीज़ें मोइन भाई इल्म के साथ जब आप इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान जो कि इल्मी ख़ानदान है उलमा स्कॉलर्स है तो मेरे नाना वो खुद थोड़े से ओपन जेन के इस तरह फ़िक के अंदर उनका उसूल फिक माशाल्लाह उनका बेसिक सब्जेक्ट है तो फ़ाहार जो होते हैं ना उनके अंदर आमतौर तो पर नरमी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वो नरमी कई कई जगह आपको नरमी चीज़ें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदा आया एक एक भाई आया तो वो बड़ा परेशान था अपनी बेटी के बारे में कि जी वो 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 आठ नौ साल की बेटी है दस साल की बेटी है स्कूल में जा रही है मौरा भाई मैं बड़ा परेशान हूँ जी क्या मसला है जी उसके ना नाखून लंबे रखने का उसको बहुत शौक़ है और ना वो बच्चियों को शौक होता है तो मैं उसको मेरा उसके साथ बढ़ा मैंने उसको एक दफ़ा डांटा भी मैंने कहा उसको मैं मैंने उसको सख्ती से किया कि तुमने नाखून नहीं लंबे रखने हैं और ये देखे मुरा भाई नाखून ये देखे ना हमारी दीन के थे तो अच्छा सुनता है मैं मैंने उसे कहा मैंने कहा यार आप बढ़ाने दें नाखून क्या मसला है कहते क्या मतलब वो हीरान हो गए एकदम तो मैंने कहा आप देखें अल्लाह के रसूल सर सबने चालीस दिन की इजाजत दी है तो फोर्टी डेज़ यानी वकी तलाना रसूल अल्लाह के रसूल ने चालीस दिन के लिए यानी मोहलत दी है कि उसके बाद फिर गुना मैंने कहा चालीस दिन तक करेगा एक लड़की एक बच्ची जो है अपने नाखून लंबी रखती है तो आप रख लें तो उसको शौक़ पूरा करने में क्या होगा फ़र्क पड़ेगा तो वो कहते हैं तो हाइजीन मैंने कहा हाइजीन के बारे में आप उसको बताएं मैंने कहा आप उसको बेटा मसला कोई नहीं आप रख लो लेकिन हाइजीन देखो गंदगी चीज़ है पसंद नहीं लेकिन अगर वो साफ रखती है शी टेक्स केयर ऑफ इट और जिस तरह खवतानी करती भी हैं तो भैया आप उनको चालीस दिन तक की इजाज़त दे दें हाँ वैसे आप उसको बताएं कि बेटा हमें उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना लेकिन देखें एक चीज़ की अगर अल्लाह ने इजाजत दे दी है ना तो हाँ ठीक है वो शायद इतनी आइडियल ना हो लेकिन आप उस पर जब अननेसेसरी सख्ती करेंगे ना तो वो हराम के दरवाजे खुलेंगे भाई तो एक रिबेलियस नेचर आएगी मुबाह पर अननेसेसरी सख्ती करना वहाँ पर आपको हराम की तरफ लेके जाती है चीज़ें तो जहाँ पर अल्लाह ने दी हाँ आप ये कहें कि आइडियली बेटा नहीं आप उनको कन्विंस कर दे बट नहीं होती तो आप उसको स्पेस दें वो बड़ा हैरान हुआ मेरी इस बात से क्योंकि एक्सपेक्टिंग इंसाज कहता है वाकई मैंने कहा जी आप जाके कह सकते हैं तो वो कहता है मैं अपनी बे, बेटी से मेरी बड़ी इस पर जो है ना वो बैक एंड फोर्थ होती है तो नाखूनों के मसले पे ना। ना। अब जब इस तरह का जब आप मतलब मैं आपको जस्ट गिव यू एग्जाम्पल तो हमारे फैमिली के अंदर ये इस तरह की चीज़ होती थी कि बेटा अब जैसे मूवी अब मुझे मूवीज़ को बहुत शौक पड़ गया था एक बार मैं बिज वॉचिंग भी की थी अम्मा जी को पता था मैं मूवीज देखता हूँ फिल्म में और वो वो टोरेंट्स होते थे आपको पता वो लगाए होते थे मैंने छे छः वीडियो मूवीज़ लगाई हुई थी डाउनलोडिंग पे मेरी अम्मी ने मुझे एक बात की थी बेटा चलो पसंदीदा तो नहीं है लेकिन एक चीज कर लो कि जब इस तरह का सीन आया करें ना तुम उसको कवर करे वो ना देखा हो हमारे यहाँ ये ट्रेंड था कि हम बहन भी मूवी देखते थे हमने ना चीज रखी होती थी साथ कोई पेज ही जैसे कोई किसी का सीराया वो आगे रख लिया अब अगेन 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 मैं समझता हूँ कि इसके जरा कोई बंदा हंस रहा होगा यार ये क्या लेकिन एटलीस्ट ये ना एक सेंस ऑफ ये थी कि बेटा जो है ना जो अल्लाह ने कुछ हदूद रखी ना, है ना उनको हाँ, क्रॉस नहीं करना हाँ बाकी जहाँ पे परमजेबिलिटी है वहाँ पे आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं हाँ दैट्स नॉट आइडियल अगेन आई वॉन्ट रिकमेंड दैट टू एनी लेकिन जब आप इस तरह की कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करते हैं ना बच्चों को थोड़ा फील होता है कि दीन जो है ना मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ अरसान भाई लोगों का ना दीन के बारे में इनसिक्योरिटीज़ होती ये मेरा तजर्ब है आप लोग बहुत ज़्यादा दीन के बारे में क्यों नहीं आते उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होता है शैतान इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करता है मैं पिछले मछले कुरान कुरानी मजीद के याद पढ़ा था कल और मैं ही हो गया था शैतान ने बेसिकली अल्लाह के बारे में इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट की थी लेकिन फौस व शैलीब लिबदी मबूोरी नहा कुमार नहादी शजरतीकुना मल तकाली सुर आरफ़ में अल्ला क्या फ़माते हैं कि उसने कहा कि आदमी सलाम को कि अल्लाह तै तुम दोनों को इसलिए रोक रहा है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ ये या हमेशा यानी इन अदर वर्ड्स अल्लाह के बारे में इनसिक्योर अल्लाह डजन वॉट यू टू प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन फैक्ट इनसिक्योर कर दिया अल्लाह के बारे में अच्छा एग्जैक्टली exactly यही चीज़ क्रिएट की अल्लाह के रसूल के बारे में शैतान ने कु मक्का को अल्लाह के रसूल के बारे में इनसिक्योरिटी से भाई ये हमारी चौधराहट चली जाएगी हमारी ये चीज़ें चली जाएंगी हमें बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हमारी जिंदगी बताई बड़ी टफ हो जाएगी इनसिक्योर कर दिया दीनदारों के बारे में भी हमारे लोगों की इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के बारे में इनसिक्योरिटीज सिक्योरिटीज़ वो कहते हैं जी वो बच्चा हमारा पता नहीं कहीं ना ले जाए माफ करे किसी वो तालिबान ना बना दें उसको इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ है यानी दे दिसंक के दीन में आने की वजह से हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हमें पता नहीं पता नहीं क्या बनना पड़ेगा सल्हान लेकिन उनको नहीं पता कि इस तजीबाही रसूल दादाकुम दिमागम यानी दीन तो वो है जो तुम्हें जिंदगी देगा अल्लाह तो जब इंसान को ये पता चलेगा ना दीन हैज़ टू ऑफर अ लॉट यानी दीन हमसे बहुत कम डिमांड करता है हमें देता ज्यादा कुछ है तो इंसान की इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं तो दीन के बारे में बच्चों की हमारी भी जनरली वो समझते हैं दीनदारों के पास जाके बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमारे पास हमें बहुत कुछ हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी हम ये नहीं कर सकेंगे हम वो नहीं कर सकेंगे हम ये नहीं कर सकेंगे तो वो चीजें अगर हम इस तरह की थोड़ी सी अगर बच्चों के साथ कम, करें, करें, तो again, के साथ करें करें कम्युनिकेशन तो मुझे उम्मीद है अगेन दिल अल्लाह हाथ में बट मैं समझता हूं, कुछ कुछ फायदा एटली बहुत सारे काम आपको exactly. नमाज पे कोई नहीं छोड़ सकती तो उस पे जीरो

किसी तो जगह नमाज पे अच्छा लगा मैं तो। ये मेरे साथ भी ऐसे ही था मेरी नानी जो है मेरी नानी माशाल्लाह दीनदार बहुत है तो मेरी नानी ने मैं जब नाने नानी के पास रहता था यहाँ पे तो मेरी नानी ने ये रेड लाइन रखी हुई थी नमाज़ के बारे में फ़जर की खास तौर पर तो उन्होंने मेरी अक्सर फजर लेट हो जाती थी मैं लेट आता था रात को दोस्तों की वजह से किसी जगह पर तो नानी जान मेरी हमारे यहाँ जल्दी सोने का रुझान है नौ बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था अच्छा नाना बू मेरे सख्त है इस बारे में दरवाज़ा बंद कर देते थे नौ बजे उन्होंने कहा बेटा अच्छा जो भी बंदा इवन मेरे मामू शादीशुदा मैरिड है आज भी नौ बजे दरवाज़ा बंद होता है नाना बो माशाला और अगर किसी ने आना तो उसके बाद वो टापना पड़ता था उसको दीवारों से और मेरे नाना बो ना गन रखते हैं अपने पास उनको ना फायर नाफायर और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात होता मेरी नाना बू गन को लॉक नहीं लगाते और वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा उनको ना थोड़ा सा डिप्रेशन है तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे ना स्ट्रेस के अंदर ना मुझसे गन अनलॉक नहीं होगी इसीलिए वो यानी उनके गन उनके पास पड़ी होती है और मैं चाह रहा हूँ उनके पास लाइसेंस गन है तो उन्होंने रखी होती है अपने पास तो नुँँ. वो ना अच्छा हुआ कई दफ़ा ऐसा कि मैंने टापाऊँ एक दफ़ा बल्कि मेरे साथ सीन हुआ है मैं ऊपर से ना टापाऊँ तो दड़ाम की नीचे आवाज़ आई मुझसे नहीं बैलेंस हुआ तो मैं जमीन बेच गिर वो नाला उठ के नाना पर कमरा भी आ गया बिल्कुल साथ है दरवाजे के साथ ना तो मैं हुआ तो अब मैं खामोश तो ना नाना पो कहते कौन है अब मैंने का मैं बताया तो डांट पड़ेगी कि रात को दस ग्यारह बजे दोस्तों के साथ अच्छा मेरा कमरा जो है ना बिल्कुल दरवाजे के साथ कमरे के अंदर ना बिल्कुल सामने था तो मैं आराम से चल के वहाँ से निकल जाता था किसी को पता नहीं चलता था अच्छा वो जो उन्होंने कहा जी कौन है मैं खामोश अच्छा नाना को समझ आई कि ये लगता है कोई चोर है वो गन लेके बाहर आ गए अब वो अंधेरा था रात को भी मेरे डाटा उन्होंने कहा बंदे बोल तो सही अरे मैं फायर कर दूं पता नहीं होता चले कि यार तुम अल्लाह तो इस तरह होता था तो अच्छा एक और चीज़ मेरी नानी मेरी नानी जान ने मुझे कहा था कि बेटा फजर की नमाज तुम्हारी खराब नहीं होनी चाहिए और हुआ ये कि एक दफ़ा मेरी खराब हुई दूसरी दफा खराब हुई तीसरी दफा उन्होंने कहा बेटा अब खराब हुई ना नाश्ता नहीं मिलेगा एंड लिटरली फॉर मल्टीपल टाइम मुझे नाश्ता नहीं दिया उन्होंने उन्होंने कहा बेटा आज नाश्ता नहीं मिलेगा और दैट वॉज क्लियर नो कि यार जिस दिन आपकी फजर की नमाज मस्त मैं कहता तो मैं मस्जिद पढ़ी नहीं जमात के साथ हुँ, हुँ. एक है मस्जिद में पढ़ लूँ और मैं जब मस्जिद में जाता था नाना बू वहाँ पे मौजूद होते थे कहते थे हाँ तो लेट आया ना उसी वक्त ही सारों के सामने मस्जिद के अंदर शुरू हो जाते थे तो मुझे ये था कि ये रेड लाइन जो आपने कहा ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ जगहों में बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जिंदगी और मैं कहता हूँ नमाज इन सलाद तनहान कर बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से अगर बंदा नमाजी है ना अल्टीमेटली अल्लाह उसको गंदगी से निकाल देते हैं ठीक है वक्ती तौर पे चलता है लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ ने, नेमत करते ही रहम करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेडलाइन हमें रखने की जरूरत है, है अजीब शेख ये बताएं स्पोकन एट सो नर्वस बहुत सारे लोगों को लगता है ना यू नोड ने जाके के आ जाए क्या मसले की बात है बहुत नर्वस होता हूँ और सुबह बस ये होता है कि अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो ऑडियंस आप आप लोग भी बच्चा स्पीकरस आपको पता होगा ऑडियंस जितनी गरीब होती है ना उतना ज़्यादा बंदा नर्वस होता है जितना ऑडियंस दूर होती है ना और जितना मैं मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े अरिना में बोल रहे हैं ना उसमें नर्वसनेस कम होती है क्योंकि उसमें आपकी ना लोग आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते तो आपको पता होता है लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ आई थिंक मेरे मेरे साथ एक्सपीरियंस ही है लेकिन जब मेरे साथ कोई बिल्कुल साथ ऐसे आस बैठे होते हैं ना तो मेरी नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है ना नर्वस नंबर टू ये है कि शुरू में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नर्वसनेस कम हो जाती है तो लेकिन तीसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि आ, मैं मेरे लिए जिस दिन पहले जो मैंने पहले दिन जब लेक्चर की तैयारी की थी ना जिस दिन बंदा टेंशन में आके और नर्वस होकर बंदा तैयारी करता आज भी मुझे उसी नर्वस के साथ तैयारी <laughs> करनी पड़ती है और मेरे लिए बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये क्योंकि एटलीस्ट जो है ना कई दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी पड़ते हैं लोगों को नहीं पता इस बात का एंड पीपल डोंट थिंक बल्कि एक किताब है मैं पिछले दिनों आप गए आप होंगे एक्सपो में पिछले दिनों मैं गया था एक किताब मिली है मेहदी हसन की अगर अगरचे बंदा इतना पता नहीं पसंदीदा है कि नहीं मेहदी हसन बड़ा जर्नलिस्ट है मशहूर है जीरा का तो उसकी यह है कि हाउ टू विन एवरी आर्गूमेंट बड़ी मशहूर किताब है पिछले दिनों ख़त्म मैंने पढ़ी है दो इसके कुछ क्लिप्स भी इसके चलते रहे हाँ तो ये जो किताब है इसके अंदर जो वहदी हसन ने ना मैं हैरान हो गया था वो बहुत एलोकेंट स्पीकर है यानी अगर आप भी भी है, बहुत तेज बोलता है और वो ही यू नो बहुत टॉप ऑफ द लाइन है वो इस चीज़ में एटलीस्ट तो मैं हैरान हो गया अरसलान भाई जब मैंने उसका बैकग्राउंड द थिंग दैट एक्चुअली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे पहले भी था उसके बोलने से तो इंप्रेस होता है बंदा लेकिन दी अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट ही डस और बाकायदा लिटरली वो याद करता है अपने सेंटेंसेस को आई नो वो कहता है कि मैं अपनी कई कई स्पीचेस को याद करता हूँ कहता है जितनी छोटी स्पीच होती है दस पंद्रह मिनट की मैं लिटरली लर्न दोस्ट आई मेमोराइज देम और कहता दिया मैं आ, आ, यानी उसके सामने खड़े होके शीशे के सामने खड़े होके मैं कह आपस में देखता हूँ कि मेरे आ, यानी हाथों के एक्शंस क्या हैं वो सारे सुबह तो यानी इंसान हम समझते हैं कि यार कैमरा इस बोल रहा पता है पता नहीं इसको तो, हाँ तो बड़ा हाँ। कुछ है लेकिन दी अमाउंट ऑफ अच्छा मैं इसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ बहुत द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और जितनी आप मेहनत करेंगे ना अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया ने किया ना एवरीबडी सीज द ग्लैमर नो बड़ी चीज क्या लोग कितनी जो, जो लोग हैं अक्सर लोग बहुत कर रहे हैं ना इसलान भाई दिन के बारे में दिन के अलावा जो मटीरियल है ना तो वहाँ पे आपका फोकस सिर्फ ये हम यूज करना अगले को लेकिन ये जो दीन है ना यहाँ पे अल्लाह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर आती है मैंने आपको पता है मेरे लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मुझे लोग समझते हैं कि आपने मदीर पढ़ा हुआ तो मुझे तो अब इस बात पर मेरे मुझसे गलत ना निकल जाए और मुझे बड़ा मसला होता है इस चीज़ का तो यानी ये, ये अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी आप नबी के सीढ़ी से वादा स्टेज पे बैठे हुए हैं ये नबी का आप एक आलिम के जगह पे बैठ के आप बोल रहे हैं और आपसे वाकई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ऐसी तो चेक मैं आपसे एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल तो नहीं चाहिए बट फॉर फॉर आर ऑडियंस अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एट यूथ क्लब तोहा मोहम्मद अली आप हैं जीशान भाई हैं बहुत सारे और भी हैं ठीक है Uh, मुझे लगता है आप ना करेंगे शायद इसको कि इन टर्म्स ऑफ इल्म ठीक है यू हैड द मोस्ट ट्रेगरस जर्नी एंड यू नो अल्लाह ताला कबूल करे करे इन टर्म्स ऑफ एन क्राइटेरिया विच इज़ अ क्राइटेरिया टू फेम ठीक है यू फॉल बिहाइंड अ लॉट ऑफ देम ठीक है एंड वाई एम आई आस्किंग दिस हैव यू एवर फेल्ट दैट एंड नो बहुत सारे लोग हमारे जो है ना बस बस यूट्यूब व्यूअरशिप को देख के ना बस दुखी हो जाते हैं कि यार कुछ हुआ ही नहीं कि जी वो उनको तो मिलियन व्यूज मिल गए मेरे पे दस हज़ार व्यवसाय so, yeah, yeah. हुए उसको आप कैसे यानी अगर फ़ील होता है कभी कैसे कोप अप करते हैं क्या चीज़ है क्या जहन में होना चाहिए क्या नीयत तो नहीं होनी नहीं चाहिए नहीं बहुत अच्छा आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है बिल्कुल ऐसे है इल्म के हवाले से तो चलें मुझे नहीं दावा करना चाहिए लेकिन अल्लाह ने मुझे, मुझे मौका दिया है जो मैं बाकायदा मदरसे से पढ़ा बाकियों को अल्लाह ने मौका नहीं दिया मेरे पर बड़ा एहसान है अल्लाह का इन टर्म्स ऑफ व्यवरशिप आई डू फील समाइम्स हाँ वाकई बड़ा आता है फ़र्क के दफ़ा बल्कि बड़े फ़नी भी होते हैं कि बड़ा क्लियर नज़र आता है जब हम लोग मिल के लेक्चर्स देने जाते हैं तो एक बड़ा एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है उनकी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के, <laughs> के साथ ट्रीटमेंट के साथ बल्कि मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली और मैं एक जगह टॉक देने गए थे किसी आउट ऑफ सिटी में तो हुआ ये कि अच्छा हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है तो हम दोनों की तस्वीर लगी है तो अच्छा अब सारों को पता जी अच्छा जो बुलाने वाले उनको पता कि दो भाइयों को बुलाया अच्छा देखने वाले हैं वो सिर्फ एक को शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो अली भाई को एक फ्लावर पकड़ाया बुके पकड़ा के चले गए मैं देख ही जा रहा मेरे क्या चलो यार अंदर चलते हैं अच्छा फिर हुआ ये कि मेरे साथ आगे ना बड़े फ़नी ये चीज़ हुई कि हम उसके अंदर एंटर होना शुरू हुए तो वो जो कैमरा मैन था उधर उधर किसी यूनिवर्सिटी का मुझे यूनिवर्सिटी युण याद नहीं है तो वो अली भाई का शायद फ़ैन ज़्यादा था ये उसको मेरा पता ही नहीं था तो यानी <laughs> वो उस बेचारे ने ना लिटली वो वीडियो बना रहा है पीछे पीछे तो ना अच्छा मैं पीछे चल रहा हूँ समय थोड़ा पीछे हो गया मैंने कहा चलो यार उसकी बना लें तो अच्छा मैं तो किसी जगह आगे चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्क्रीम आया ना तो कहते सर एक मिनट जरा आप थोड़ा पीछे होइएगा <laughs> मैंने कहा, जी ठीक है है कह रहा कि ये साथ कोई ऐसे ही बंदा तो यार मैं काम कर रहा तो थोड़ा साइड में हो जा। मैंने कहा ठीक है यार तो इस तरह होता है कि दफ़ा अच्छा आसान भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए इसको खैर मुझे होता है बंदे को एहसास होता है कि यार यार अहमियत एक स्ट्राइकिंग डिफरेंट इंसान है ऐसी दीसी बात है लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत है। अच्छा है मुझे अल्लाह हम्बल करते हैं इस तरह ना और मैं अपने आप को मेरी बड़ी सलाह होती है इस चीज़ से जब इंसान को ना वरना तो अल्लाह माफ़ करे जब इंसान को बहुत प्रेज प्रेस मिलता है ना इंसान तो माफ़ करे फिरौन बन जाता है फिर <coughs> तो कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए शायद अच्छी है इन मैनी टर्म्स इन मनी वेज़ कि मुझे अल्लाह हम्बल करता है और मेरे साथ कई ऐसे वाक़त इस तरह के होते हैं ना तो मुझे बड़ा अपना घास में नफ्स करने की तोफ़ी भी मिलती है और मुझे अपने आप से कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है और यकीन करें जब इंसान को दूसरे लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो बाज़त इंसान अपने आप से नहीं कन्वर्सेशन करता और अपने आप को पूछता जनरली uh, मैं ये भी कहूँगा कि uh, मैं थोड़ा सा इस सोशल मीडिया या इस टाइम जो कैमरे के सामने क्या चीज़ बिकती है उसका मुझे अंदाज़ा हो गया यानी अगर आप मुझे कहेंगे ना कि यार कोई मशहूर होना मुझे मुझे लगता है कि मुझे इतना मुश्किल नहीं है मिली मशहूर होना यानी अब मैं लोगों को देखता हूँ आस पास कई स्पीकर्स को देखता हूँ कि वो कैसी बातें कर रहे हैं और वो जो कुछ चीज़ें बयान कर रहे थे जिसकी वजह से लोग बड़ा एक वाओ अफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना उससे कई दफ़ा मुझे चीज़ें पता चल रही होती हैं कि मैं ये भी बड़ी इससे मैं बहुत सी अच्छी चीज़ें बयान इस तरह की बहुत सी और चीज़ें बयान करता हूँ लेकिन फिर मुझे ना अपने आप से थोड़ी घिन आना शुरू हुई थी कि यार मैंने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए मैं ये करूँ यानी इफ़ आई वॉन्ट टू तो टेक व्यूअर्स तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल ठीक है सुबहानल्ला मैं आपको बताऊँ मैं कल रात अल्लाह वो सरतुलमुनाफी मुनाफिकून की आयत मैं कल उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था

बहुत अच्छा बोलते हैं एलोकेंट है कहानियाँ बहुत सुनानी आती हैं उनको उनको अम्यूज़ करना आता है वाओ अफेक्ट करिए जैसे कि हदीस में आता है ना अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के दौर में दो लोग आए थे और आके ना उन्होंने अपनी ज़ुबान से अपनी स्पीच से ना लोगों को ना सहर ज़्यादा कर दिया और अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरे और आपने देखा और कहा के इन निनबया और आप भी बड़े इम्प्रेस हुए आपने सुना वो जिस तरह बोल रहे थे सुहानल्लास सा हमारे यहाँ तारीख़ के अंदर लोग थे बकायदा टू टेल स्टोरीज और उनको बहुत ज़्यादा कमाते थे इट्स एन एलोकेंस यानी जुबान जो है ना और रेट्रिक जो है जिस बंदे को आता है वो कमाल है और बड़े बड़े इंटर ये आप देखें मैं मालके मैक्स वैरह को अगर आप देखिए जिस तरीके से अपनी जो है स्पीच के ऊपर मेहनत करते थे फिर ये दी आर्ट ऑफ जो है पूरी एरिस्टोटल की बुक भी है तो मैं बड़ा और ये खासतौर पर ये जो महदी हसन की मैंने पढ़ी ना तो लेकिन मुझे ना फिर घिन आती है इस चीज़ से कि यानी सब्सटेंस सबस्टेंस और यकीन करें वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ नॉवल्टी यानी हर जगह ना आपको कोई नई बात करनी है तब आप लोगों को कैप्चर करेंगे और वो बेचारा जो कुरान सुन्नत की बात कर रहा है ना बेसिक बात कर रहा है यानी वो बंदा ना यानी दे डोंट गेट इम्प्रेस दो और मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों ने ना इस्लाम भाई अल्लाह माफ़ करें मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ हम लोगों ने लोगों का ना थोड़ा सा माइंड ऐसा बना दिया है किस एंड अंटिल आप कोई ऐसी बड़ी आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ नहीं ना बताएंगे लोग इम्प्रेस नहीं होते यानी हाँ, हम कुरान से अब आजकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाँ कि कुरान शुड अम्यूज़ अस दीन बिलगैब यानी है ना अकीमत आतुलज़ा ये हमें इम्प्रेस नहीं करती हुँ. हमें कोई बहुत साइकोलॉजी कोई सोशलोजी कोई बड़ा ना कोई जो है ना साइंस की कोई साइंटिफिक मेडिकल निकाल के दिखाओ तो हम वाओ अफ़ेक्ट होगा तो हम कुरान से यूज़ होंगे वरना अकीमत आतुलज़क् तज् नफ्स और बेसिक बात झूठ ना बोलो अल्लाह के साथ नाशुरी ना करो शिरक ना करो तो हीद ये हमें इंप्रेस ही नहीं करती अल्लाह माफ़ करें और मैं समझता हूँ हम लोगों ने यह गलत चीज़ें सेट की हैं हमने कुरान से ना गलत एक्सपेक्टेशन लोगों की सेट कर दीन के बारे में कि आज एक बेचारा एक सादा एक आलमी दीन इतनी कुरान हदीस की बात कर करो तो हम कहते हैं यार कोई नई बात बताओ ये क्या बात है ये तो ये तो पहले ही है। 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 पता कुरीद नाइन्टी फाइव परसेंट वो वाली बातें करता है जो सारों को पता है सीधी सी बात है अब कुरान किसी जगह तक यूज़ नहीं करता ये अल्लाह तक का वैसे करम है अल्लाह की शान है कि अल्लाह के कुरान का एजाज़ है कि हर बंदा इसमें से बहुत कुछ निकाल लेता है लेकिन अल्लाह ती तो एक सिंपल एक बेसिक बात यार वो आसान अल्फाज में एक बंदे को समझ आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये फीलिंग जो है ना आज एहसास होती है अगेन आई डोंट यानी मैं किसी और बंदे को स्पेसिफिकली नहीं करूँगा कि कोई बंदा जान के करता है लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ना कुछ इसको बैक पे लेके आना चाहिए और हमें अपनी लोगों की ट्रेन करना चाहिए कि यार सिंपल सब्सटेंस है ना वो कुरान सुन रहा सिंपल हदीस अल्लाह के रसूल की बेसिक हदीस वो हमारे दिलों का ईमान होना चाहिए उससे हमारे दिलों का ईमान ताज़ा होना चाहिए ये सारी बातें चीज़ें वक्ती हैं ये कुछ देर चलती हैं और मैं बताऊँ इसकी एक हद होती है एक वक्त आता है बंदे को ढूंढ ये नहीं, मैं सोशल मीडिया के लोगों से मिलता हूँ यार मैं उनकी ना देखता हूँ वो चौबीस घंटे यही सोच रहे हमने अच्छा, क्या नई hmm. exactly, oh, hmm. कितनी एक अजीब एक, मतलब मैं तो उससे थोड़ी सी मुझे घिनाना शुरू होगी अगर आप रिपीटेडली किसी एक ही जगह पे किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को बयान दे रहे हो ना तो फिर आपको रियलाइज होता है कि वो एक दो पता चल जाता है कि इसके पास तो नया गिफ्ट करके हाँ। आप दीन को पेश क्रिएटिविटी एंड हो हाँ। जाता है यानी आप की तरह अल्टीमेटली और जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो 10 लोगों से यहां से बात सुनी यहां पे लगा दी यहां से लगी यहां से सुना दी आपका अपना बहुत कम होता है ये अल्लाह ने एक लिमिट्स रखी है यार सीधी हद से आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए सिंपल कुरान अदीस पता है फिर बस एक लड़का आया बट अच्छा लोग आते हैं बच्चे सर बताए ना मैं भी किस तरह से बोल सकता मैंने कहा यार कुरान अल्लाह ने दिए पढ़ाओ सिर्फ आयत पढ़ाओ अल्लाह का इसका तजर्बा बता दो वो कहता है सर लोग नहीं मैंने कहा यार लो, आपने लो, लोगों को ये नहीं अगेन वही हाँ। सोशल मीडिया और आपकी मजबूरी है यानी आपको अगर कॉन्टेंट देखें अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप व्यूज़ के बारे में कंसर्न नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली तो फिर आप सोशल मीडिया पर होने की जरूरत ही नहीं है आपको यानी आप समझ रहे हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी गंदी चीज़ में फंस गए हैं कि वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ग्लेटर डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा जो है ना वो हो लेकिन इसके साथ साथ हमें इस फिलोसफी से थोड़ा सा अपने आप को बचाना भी है वो किस तरह करना है यही एक स्ट्रगल है बिल्कुल अच्छा मैं इस पर बल्कि आपसे एक ऑन स्क्रीन एडवाइस भी लेता हूँ कि हम अक्सर बिकॉज आप लोगों का भी बहुत सारा काम भी देख रहे होते हैं और यू you नो know, बड़ा, बड़ा मुतासर भी होते हैं सीखा भी बहुत कुछ है आप लोगों से वर्चुअली सही मुलाकात तो सबसे है ही है तो आई थिंक नसिया में हम सब की तबीयतें जो न बहुत ही एंटी सोशल मीडिया और एंटी वो बिल्कुल ये कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कैमरे के आगे तस्वीर खिंचवा रही हो ही लाइक जब मैं दीन में नहीं था ना तब भी मुझे इससे चिड़ और आज भी चिड़ी पीपल माइट फाइंड इट हार्ड टू बिलीव बट वो वो है एंड यू नो एज ऑफ यू नो वी मेक दैट प्रोग्रेस एंड कि आपको अब जैसे अभी वो हम मेरा भी रमज़ान की सीरीज है तो हमारी <coughs> मीडिया टीम माशाल्लाह पिछले हफ्ते ही जो है ना एक पहली दफ़ा हम किसी प्रोडक्शन हाउस चले गए अच्छा। नहीं, किसी से, किसी सेट पे जो है ना वो आ, कुछ प्रोमो वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए एंड टेक्निकली सेट तो ये भी बना हुआ

पर्सोनिफिकेशन और प्रोजेक्शन और वो सारा कुछ वो भी है और फिर यू you नो know, कि बहुत सारे एक मिजाज का भी है मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ मुझे हैं। लगता है कि ज़िया भाई जो है मिसाल के तौर पर ठीक है कि सही गलत हर बंदे की अपनी वो होगी बट वो हमेशा मीडिया में रहें इससे पहले भी ठीक है उनकी तबीयत में एक वो चीज़ है इट कम्स यानी हैवी बाइक्स हैं वो आई डोंट थिंक वो हैवी बाइक जो है ना इसके लिए कर रहे हैं वो उनकी तबीयत में भी एक शौक भी है एक सारी सही. चीज़ भी है तो आप कैसे यानी अपने लिए उन लाइन्स को ड्रा करते हैं या क्या आप एडवाइस देंगे बड़ा कभी कभी इंसान को डर भी लग रहा होता है बट देन एक यू नो एक सर्टन हद तक जरूरत भी है वो लेकिन कितनी को ज़रूरत है कितनी नहीं है मैं कहता हूँ इस पर बड़ी एक फनी आपको एडवाइस दूंगा अपने लिए भी यही कहता हूँ कि लेट द मीडिया डू देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब दैट्स इट यानी आपका हमेशा से यही होना चाहिए जो आपका रवैया आप अवॉइड करें और इनका हमेशा होना चाहिए क्या वो खेजें तभी बैलेंस क्रिएट होगा शेख हैतल हद्दाद आपको याद होगा जी जी तो उनसे हमने एडवाइस ली के जी और मैंने उसी से मेरे जहन में वो बात आई थी कि उन्होंने कहा जी जीमा जो है वो है हम <coughs> उलमा को जो है ना वो अहमियत नहीं देते यानी जो है ना वो आते नहीं कैमरे के सामने नहीं आते और जो है ना लोग जो है उनको लाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये नहीं होना चाहिए वाह को चाहिए वो कहते हैं नहीं लेट डू हैं देर यानी जो उनका ना आना उनका इस चीज़ों से दूर रहना ये अच्छी चीज़ है ये उनके लिए खैर है और आपके लिए उनकी बार बार इस तरह की उनको पीछे लगना उनके पीछे भागना फोर्स करना ये आपके लिए खैर है तो इसी से बैलेंस क्रिएट होता है अगर आप इंक्लाइन पूरी हो जाएंगे वहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करिए और मैं समझता हूँ मैं आपके साथ बहुत रेजोनेट करता हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल पहले लिए बहुत मुश्किल होता है सेट पर बैठ के मुझे फेक लगता है यानी मुझे याद है मेरी एक बहुत मशहूर सीरीज़ है दिल की बातें शायद आप लोगों ने सुनी होगी तो मैं वो सीरीज़ अब मतलब असल में मैंने जब वो स्टार्ट की थी ना तो मैंने ऐसे ही मेरे जहन में आया था मैंने कहा बड़ी कुछ बातें होती है दिल की बंदे करना चाहता है वो जब वो एकदम वो सेट में आ गई ना कैमरे के सामने कि अब आप थोड़ा सा ऐसे बैठे हैं वो बैठे हैं मैंने कहा यार दिल तो की बातें नहीं मैंने कहा ये तो फेक हो गया ना ये नहीं ये तो मैं एक्टिंग कर रहा करूँ और मैंने यकीन करें उसके बाद से मेरे मतलब मेरी बड़ी बहस हुई थी सोशल मीडिया हमारे जो मीडिया के भाइयों से वो भी नहीं मुहिरा भाई देखें ना हमें क्वालिटी भी तो लेनी है फिर इस तरह फ़ायदा नहीं है तो मैंने उसमें फिर यही बैलेंस यही है कि हम इस तरफ रहें उनके लिए मुश्किल हो वो हमें कन्विंस करें हम उनको कन्विंस करें, करें तो दरमियान बैलेंस क्रिएट हो जाएगा लेकिन अगर वो लोग हम पे आ जाएंगे टोटली तो फिर वाकई फिर आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड भी गिर जाएगा लेकिन अगर आप उधर चले गए तो ये एक और ये बड़ा गंदा मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है अरस्तान भाई इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे है ना कि कुछ भाई जो ज़्यादा करते हैं कुछ भाइयों को आगे कर दिया जाए कुछ भाई अब मैं खुद जाती तौर पर बहुत पसंद नहीं करता इस तरह मेरे मेरे ज़्यादा शोज़ भी नहीं होते मेरे बड़े दो महीने हो गए चैनल पर कुछ अपलोड नहीं हुआ वो कुछ होता है तो वो सीधा मेन चैनल पे ही हमारे जाता है वो भी भाई करवाते हैं ज़बरदस्ती तो कुछ लोग ज़्यादा आगे जिनको शौक होता है कुछ लोगों को होता है शौक़ ठीक है अगर यार उनको शौक है तो आप फ़ायदा उठाएं मुझे मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स बैठे हों पढ़ा रहा हूँ हम कुछ किताब पढ़ रहे हो आपस में बैक एंड फोर डिस्कशन चल रही हो। तो, okay. वैसे कि जो ऑन साइड लर्निंग है ना जो सीना बसीना जिसको आप कहते हो जो उसमें वो है उसमें खैर भी है उसमें इसलाह भी है लेकिन दूसरी चीज़ों की अमियत है तो कोई और भाई जो उससे रेजनेट करता है जैसे आपने ज्यावी की मिसाल दी जो थिएटर में रह चुका है पहले भी तो कैमरे के सामने आता चाहता तो उसको हम पुष करेंगे यार ठीक है आप कर लें ले, लेकिन उसमें उस... जो असल प्रॉब्लम है ना वो दस्ट दैलेंस पार्ट बैलेंस पार्ट, बैलेंस पार्ट हाँ. हर बंदा अपनी नेचर के मुताबिक काम करता रहे बट वक्त के चैलेंज को भी समझा बिकॉज वट वी नी टू अंडरस्टैंड के मदारस के सारेमा अगर आप इल तकवा केबार से देखें सुपरली रैंक वे हाई Hmm. One of the problems is कि उनकी रिलेटेबिलिटी कम होने की वजह इज प्रॉबलीरियर इकोनॉमिक स्टेटस का बैरियर <coughs> फिर वो इतना बढ़ जाता है कि हमें पता है पाकिस्तान में पूरा एक सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम है और एक आपका रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम आपस में कोई इंटरमिंग नहीं है और वो अन रिलेटेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया टीम है वो हमें क्यों पुष्ट कर रही होती है सो देर लाइक कि जिस यूथ को आप टारगेट कर रहे हैं ना वो किसी और प्लान पे चली गई है तो अगर आप भी वही गलती करेंगे जो पहलों ने की कि आप रिलेटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से बिल्कुल ही आपके एनर्जी ना मुझे मीडिया यूज करना है ना मुझे कैमरा यूज करना है ना मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है अनरिलेटेबल टू दैम सो वो अगेन उनका अपना तकाज़ा ठीक है mm. तो बट दूसरी तरफ एक अपनी तबीयत भी है तो वो जो आपकी नहीं। बात है ना कि आप अपना काम करते रहे वो अपना काम करते रहे मैनेज ना करें बेहतर 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 और मेरे ख्याल जितने on भी बड़े बड़े हैं है, हमारे पास जो सीरियस और मेचोर ऊलमा hmm. हैं अपार्ट फ्राम यंगस्टर्स जो नए 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 आ रहे स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज बड़े को हम देखते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज नहीं करते अच्छा उनके उनके लैक्चर्स के क्लिप्स निकालना एडिटिंग करना उसको बड़ा एक उसमें एक लेटर डालना वो सारे बात के लोग करते हैं नॉट बॉर्डर्ड और कंसर्न अबाउट इट तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट एटलीस्ट तो बहुत अच्छा ये बड़ा एक मेरे लिए बाकी बहुत मुश्किल चैलेंजिंग ये चीज़ है आजकल के दौर में i mean uh, one more thing which also relates to this you know when people look at you and i think most people know you through social media at the end of the day they think you know scholars and motivational speakers like yourself and others in the set Okay, नेक वो भी वो है कोई टेंशन नहीं है ने। एक वो होता <laughs> है ना कि जी बस एंड यू नो दे वुड रादर डाई टू बी इन योर प्लेस इन इन अ लॉट ऑफ सेंसेस बट डू यू थिंक इट गेट्स हार्ड एट इन इन द कैपेसिटी दपैसिटी एक 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 पर्सनली यू नो कभी कभी जब आप इतनी लादिनियत देखते हो यूनिवर्सिटीज़ you know, का जो माहौल है वो करते हो एक एक बंदा स्ट्रेंज भी फील करता है हाउ डू यू कोप अप विद दैट शेख पहली बात तो ये है कि अल्लाह माफ़ करें कि हमारी अपनी लाइफ कहाँ सेट है यार अल्लाह माफ़ करें मैं तो शर्मिंदगी होती है मैं कई दफ़ा लोगों को देखता हूँ भाइयों को जो हमारे सामने आके बैठे होते हैं उनका ईमान और तकवा लिटरली उनकी शक्लों से नजर मैं तो अपने आप को बहुत हल्का समझता हूँ यानी वो है ना इमाम अल्का बड़े मशहूर हैं उनके ना उनके एक अशार हैं कुछ छः सौ अशार है उन्होंने दीन के बारे में लिखे तो ही वॉज एन हंद स्कॉलर तो उनके अशार मुझे याद हैं वो एक ना उसके मुकदमे के अंदर अशार के शुरू में दीन के मुख्तलि शोबों के बारे में उन्होंने अशार लिखे तो उनके एक अशार था अल्लाह त हम बयान करते हैं शुरू में <coughs> जैसे हमारेमा की ट्रेडिशन है वनशवरतली फिलमी हसिनन वसैसॉरिमसी वाहमी हसरतीम्ख़ानी वो कहते हैं कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरे ना बुराइयों को छुपाया हुआ और मेरी नकियों को फिला दिया है लोगों के सामने और फिर वो कहते हैं कि वाला कभी हसर ही रहती है अला की कसम अगर मेरी बुराइयों का लोगों को पता चल जाए ना मेरे जो सीक्रेट्स और आइसोलेशन के जो गुनाह हैं उनका लोगों को पता चल जाए ना अब यानी वो मुझसे सलाम का जवाब देना बंद कर रहे हैं इस लेवल का मैं गंदा आदमी हूँ अल्लाह मैं तो यानी पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जी मेरी लाइफ सेट है ये तो उनको क्या पता यार सूहान अल्लाह मैं तो ऐसा यानी तो एंड आई थिंक लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा समझें कि हम जो कैमरे के पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना दैट्स नॉट मतलब ठीक है उसमें कुछ अलहमदिल्ला हमें अल्लाह ने और मैं समझता हूँ हमारी जुबान जब हम बोल रहे हैं ना यार हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ, आ रही है अल्लाह माफ़ करें बहुत ज़िम्मेदारी आ रही है यानी हम वो लोग हैं कि जिनको जो लोग लुक अप टू अस इन फैक्ट किसी भी मैं अपने आप को पूछता हूँ मेरा अमल कैसा है मेरी मुझे कल पिछले दिनों एक मेरे लिए बड़ा हार्ड मूविंग थी वो चीज़ कि मुझे एक बहन ने कहा कि मोहिरा भाई आपकी ना ऐसे कोई हमारा सेशन हो रहा था तो वहाँ पे उसने कहा कि मेरा भाई आपकी बात पे बड़ा असर है और आ, मैं समझती हूँ कि असर उसी बात में होता है जिसके जिसकी जो अमल करता है बंदा और मेरे लिए बड़ा तकलीफ दही बात थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर जो मैं बोलता हूँ और मेरे अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ होगा और आ, बहुत मुश्किल है इसमें अरसान भाई अमल यानी लाइफ हमारी सेट है हमारे भी वही मसले हैं मियाँ बीवी है के मसले हमारी बेगमात की भी वही शिकवे हैं जो आम बेगमाद के होते हैं टाइम नहीं देते हमारे बच्चों के भी वही मसाएल हैं जो बाकी बच्चों के मसायल हैं हमारे भी वही मसले हैं यानी हम है। भी उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह माफ़ करें बल्कि शैतान हमारे खिलाफ तो ज़्यादा है तो हम कई दफ़ा ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो आम बंदा शायद नहीं कर रहा और अल्लाह ने उसके लिए आसानी की होती है तो हमारे बारे में कोई लोगों को ये अगर हो ना कि हम कोई बड़े स्पेशल हैं मैं तो समझता हूँ कि ये तो उनकी भूल है डोंट नो बस अच्छा दिस क्राइसिस कि आप जब आप फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू योर जर्नी उसके पीछे दूसरों की भी मेहनत है लेकिन एक आपकी अपनी भी बहुत स्ट्रगल है वन ऑफ़ द प्रॉब विद दिस ऑनलाइन वर्ल्ड एज़ कि आप बहुत सारा कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो हज़म कितना कर रहे हो वो एक अलपाट है जब हम नेक्स्ट जनरेशन की फ़िक्र कर रहे हैं जिसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे नॉट रेडी टू जैसे कहते हैं ना कि वो बैठ कर इलम हासिल करने की मेहनत में वो लगने को तैयार नहीं है हम सारों ने जैसे भी टूटी फूटी कोशिश की सात आठ साल के सामने बैठे रहे जो कुछ भी थोड़ी बहुत अकल समझ आई वो उस प्रोसेस का आउटकम था बट अनफॉर्चुनेटली एंड ये मैं सेकुलर एजुकेशन में भी फील करता हूँ बट रिलीजियस एजुकेशन बिकॉज दैट्स रियल थिंग हाउ डू यू थिंक दैट शुड बी सॉल्व बिकॉज अगर हम उसको सिर्फ़ एक है ना वो आ, वो फ्लेवर देने के एतबार से बस अब आप ऑनलाइन चलते रहोगे तो वो वो ट्रांजिशन नेक्स्ट जनरेशन कैसे करेगी जिसको आप सॉलिड एलिंग कहते हैं Uh, मोइन भाई मैं तो समझता हूँ कि वही सिस्टम जो हमने छोड़ा हुआ है मतलब आई डोंट थिंक दर इज़ एनी अदर न्यू पाथवे दैट वी कैन अडॉप्ट इन एनी वे वट्स एवर हमें वापस जाना पड़ेगा और mm. वो मुश्किल है और उसी की वजह से आपके नंबर्स कम होते जा रहे हैं हर जनरेशन के अंदर जो लोग दीन की तरफ चलने वाले हैं जो वाकई कॉन्क्रीट लेवल पे काम करने वाले हैं वो थोड़े होंगे नहीं। 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 और ये एवरी जनरेशन में कम होते जाएंगे बिकॉज दैट रिक्वायर्स गोइंग बैक टू द सेम ओरिजिनल जो हमारा एक तोरास है हमारी लेगेसी है जिस तरीके से हम इस के सामने बैठते हैं आज एटलीस्ट हम हैं कल को हम अगर तीन बैठे हैं तो कल को दो होंगे फिर एक रह जाएगा ठीक है ना आहिस्ते आते कम होते जाएंगे तो आई डोंट सी एनी अदर वे मतलब अल्टीमेटली अगर आप सिस्टम के थ्रू नहीं न जा रहे इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट सिस्टम मेरे पास कई भाई आते हैं मेरा एक भाई था हमारे पास दीन मसल यूथ क्लब में आते हैं वन सी के यार बड़ा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आके हम भी बात करते हैं हम भी दावा करते हैं एक भाई आया मेरे पास तो मुझे कहता है मुझे भाई मैं दाई बनना चाहता हूँ मुझे बताएं मुझे एडवाइस करें मैंने कहा ट्रस्ट द सिस्टम मैंने कहा मद्ररिससे में पढ़ो छः सात साल अपने आप को रगड़ा लगवाओ तो कहते यार दुनिया बहुत तेज है मतलब क्या? मैंने कहा यार तो पहुंचना है 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 जाना जाना ब्रो लेट देम गो हुँ, हुँ। मैंने कहा तुम और मैंने एक बात की वो अम्मा फेम कुछ जमीन के अंदर बका उस चीज को है जो फायदा मंद है जिससे खैर की चीज है जो कॉन्क्रीट है वो आप जितना मर्जी ग्लेटर कर लो आप जितना मैंने कहा आपको यार आपको अगर आपने अच्छी अगर आपने सोशल मीडिया पे मशहूर होना तो उसके लिए आपको अल्लाह माफ़ करे कोई अच्छी बात नहीं करनी आप उल्टी सीधी बात भी कर लो न, ना मशहूर हो जाओगे अल्लाह माफ़ करो ज्यादा मशहूर हो जाए ज्यादा मशहूर हो जाओगे उल्टी सीधी हरकतें करने से तो मैंने कहा लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो बात निकले वो टाइमलेस हो हुँ, वो फैम को तो फिल्म मैम फ्राउना वो कुरानो सुनना था मैंने कहा वो लगाओ टाइम लगाओ मैंने कहा ट्रस्ट द सिस्टम पढ़ो बैठो किताबें पढ़ो उलमा के सामने बैठो हाँ तो मैं तो होगा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको उनकी उल्टी सीधी बर्दाश्त करनी पड़ेगी सीधी सी बात है मेरे ना बो यही कहते हैं मेरे नाना बो से ऐसे ही मैंने एक तरह शिकवा किया मैं भी नाना बू के पास शिकवा चलना जैसे ना के सामने रोना शुरू किया नाना बु के सामने भी चला गया तो मैंने कहा नाना बो इतनी गंदगी ये मसले वो मसले और बाकी हमारे आफकर मदारस के अंदर कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है यार उसको समझना तो मेरे नाना को एक जुमला मुझे आज तक उनका याद है उन्होंने कहा बेटा एक बात है कि दुनिया की हर बुराई वहाँ पे मौजूद है इस मदरसे में लेकिन मैं आपको बताऊँ दीन आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा ना इट्स अप टू यू कि आप उस बुराई से अपने लिए दीन निकाल लो निकालो नहीं निकालोगे को तो कोई मतला नहीं तो अल्लाह दीन आपका मोहताज नहीं है मतलब यू नीड द रिलीजन ना तो अल्टीमेटली आपको कम्फर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा आपको हिफ्स के लिए अगेन आपको अपने हाँ। आपको तंग करना पड़ेगा आपको हो सकता है अभी मारे भी खानी पड़े सीधी सी बात है बट दैट द्राइज देट यू हैव टू पे लेकिन इसका फिर रिजल्ट क्या होगा हाँ। फिर अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ुबान के अंदर वह मैं डॉक्टर साहब रही है की बात देखता हूँ उनके चैनल्स आप आज भी बंद कर दें <coughs> मिलियंस ऑफ व्यू यानी उनकी वीडियोस वो ऐसी फैले हालांकि वो क्या कर रहे हैं हाँ। और वो ब्लैक एंड व्हाइट उनकी वीडियोस है लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज उनके चैनल खत्म किया उन्होंने दोबारा वो शुरू हो गया दोबारा हाँ। ग्रो कर दी क्योंकि कंटेंट है है हाँ। ना तो हमारे यहां अल्लाह माफ कर सबस्टेंस खत्म कर दिया और वो ग्लिटर और कॉस्मेटिक्स की तरफ हम ज्यादा चले गए तो आजकल अगर आप कॉस्मेटिक्स के पीछे जा रहे हो तो फिर माजरत उसको बीट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्मेटिक्स की दुनिया इतनी एडवांस है इतनी एडवांस है कि यू हैव टू यानी आपको आप उसको कैचअप नहीं कर पाओगे सबस्टेंस की दुनिया है जिसपे आप और जिसपे जो लोग कम है अल्लाह और ये जगह है जहाँ पे लोग बहुत कम है यहाँ पे आप माशा अपने आप को आज भी स्ट्रेंथन कर सकते हो शेख आखिरी दो सवाल जी जी प्लीज वन ऑन लाइटर नोट हु इज योर फेवरेट स्पीकर फ्रॉम यूथ क्लब बैठे हैं और कोई ऑप्शन नहीं सकते हैं अल्लाह अच्छा यूथ <क्लब> की तबीयत <laughs> <सहार था। laughs> की बात है सुबह मुझे सबसे अच्छी जो टॉक लगती है यूथ क्लब की वो मोहम्मद अली की लगती है अच्छा नॉट इकॉज इज माई क्लोज फ्रेंड लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं वैसे बाय द वे आपकी मैंने उस दिन स्पीच सुनी थी नॉट टू जस्ट से इट ऑन द फेस माशाल्लाह एक ही मैंने सुनी है आपकी मैं कभी नहीं सुन सका लेकिन फ़लस्तान के इशू पे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपको जय खैर दे अल्लाह मजीद बरकत दे आपको तो और वाकई मतलब आई वॉज इम्प्रेस इन सेंस के अच्छा मुझे इतना नहीं पता था आपके बारे में लेकिन उस वक्त मैंने जब सुना ना तो माशाल्लाह जिस अंदाज से आपने उसको रिलेटेबल अगेन दैट दैट्स अ वर्ड मतलब हम सोचते थे कि शायद हम ही जैसे ही है। वो कहते हैं ना शुरू शुरू बंदा तो शायद हमें ही सब कुछ बताया लेकिन जब आपको सुना तो हमने कहा यार हम अपने आपको बड़ा कुछ समझते हैं ऐसी बात नहीं है तो मोहम्मद अली भाई मुझे काफ़ी हमल माशा ब्लैस बड़ी मेहनत और उसके साथ जो है ना वो ठीक है अच्छा शेख द लास्ट क्वेश्चन दिलासन जदाको योर टाइम के कोई ऐसी नसीहत जो आप करना चाहेंगे यू नो टू पीपल हु आर लिसनिंग एंड ऑब्वियसली Uh, किस इस परस्पेक्टिव से जो भी आपके जहन में हुई चीज़ आती है मैं इस पर एडवाइस अपने आप को देना चाहूँगा और सारों को वो ये है कि डू वट इज़ द राइट थिंग इन दिस वर्ल्ड और uh, कई दफ़ा ना सोशल ट्रेंड्स हमें कहीं और लेके जा रहे होते हैं और हमें समझते हमें लगता है कि शायद ये करने की ज़रूरत है लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो सही रास्ता है ना अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे जो मुश्किल रास्ता है जो हार्ड वे है वही सिस्टम वाली बात है तो अल्लाह ताला एक बंदे से खुद काम लेता है दीन के मामले में हम समझते हैं हम मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं पूछा भाई मैं ये दीन का काम समझ बताए मैं क्या काम करूँ मैं कहता हूँ यार अपने आपको बस तैयार कर दो अपने आप को अल्लाह के सामने ये काबिल करो अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ मैंने अपने आप को रेडी कर दिया मैं से काम ले ले तो मयूरी हु बीख़ैरन इस्तेमाल हो जिसके साथ अल्लाह तला खैर का इरादा कर लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप अपने आप को इस काबिल अल्लाह के सामने बना देते हो ना कि यू आर वर्दी एंड यू आर वर्थ समथिंग अल्लाह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करेगा दीन के लिए एंड लेट अल्लाह वर इज़ बेटर फॉर यू नॉट ये कि मैंने सोशल मीडिया पे ही जाना है हो सकता है आपका एक सिर्फ एक उस्ताद बनना हो हो सकता है आपका सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के एडिटिंग करना हो इट्स अप टू टू अल्लाह गोइंग डिसाइड फॉर यू लेकिन अपने को, आप को इस काबिल बनाएं कि यानी अल्लाह को यानी आप प्रूव करें कि अल्लाह तौल मैं हाजिर हूँ आपकी दीन के लिए सर्विस के लिए मुझसे कोई दीन का काम ले लें और ख़ुद चूज ना करें यानी हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ ये जो देखते हैं ना रिलेटेड के यार ये बंदा कैमरे के सामने बैठा हुआ है तो मैं इस तरह देखा उसके व्यूज भी बढ़ने हैं या फिर इसकी ये मतलब मैं इसमें आया हूँ मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह मुझे एहसास हुआ इसकी है इसकी कमियों का कु और यकीन करें मैं मैं भाई उस भाई मैं पहले बहुत लोगों से इम्प्रेस होता था अच्छा ये कैमरे के सामने बना है यार पता नहीं मिलेंगे कैसा एंड आफ्टर आई है बिकम दैट पर्सन आई रियलाइज़ अब मैं लोगों से बिल ईनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब आई डोंट फील लाइक एनी गोइंग टू दैट पर्सन एंड सेइंग ओ आपको मैंने कैमरे में देखा सो नॉर्मल बिकॉज आई नो कि मैं कौन हूँ यार कैसा बनना हूँ और लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं अल्लाह तो यही है मेरी एडवाइस कि अपने आप को अल्लाह के सामने इस काबिल करें कि हम अल्लाह ताला हमें खुद चुन ले हमारे दिन hmm. के काम के लिए और मेरे ख्याल अल्लाह वाली सबसे बेहतरीन इंशाल्लाह चॉइस कर सकते हैं पॉडकास्ट माशा ने बहुत सारी अच्छी बातें मैं बहुत सारी यू नो नॉट इन अगेटिव सेंस आई विश वीड यू मोरिटली हमारी पहली भी बात हुई थी लव यू टू नॉट जस्ट बी हेयर फॉर द पॉडकास्ट बट टीच और स्टूडेंट्स एंड यू नो गिव अस मोर टाइम बिकॉज जो भी है अल्लाह तेफिनेटली आपके दिल में बहुत दर्द रखा है दिन के लिए एंड आई थिंक दट दट समस्ट आई डेफिनेटली फेल्ड एन वही आप वाली बात एक जर्नी है तो मैं अल्लाह और मैं समस्या के बारे में एक अच्छी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई माशा यानी हमारा माशा आप लोगों से बातें होती हैं सहरा मेरे भाई बातें करते हैं आप सब मैंने हमेशा आपके बारे में अच्छा हम लोगों ने बात की आपके बारे में माशा मेरे भाई जो है हमारे यूथ क्लब के भाई जो है आपके बारे में हमेशा अच्छी बात की है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक आप लोगों की भी देखें ऐसा नहीं होता कि आपकी तरफ से एक अच्छी वाइब मिलती है तो माशाल्लाह कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि यानी ये ना कि वो हमारा कोई कंपटीशन है कोई ऐसा नहीं मतलब दर इज़ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अल्हम्दुलिल्लाह और डिस्पाइट द फैक्ट के हमारे कुछ डिफरेंसेस भी हैं माशाल्लाह फिक के हवाले से भी हैं लेकिन बट द वे वी सिट टुगेदर और अल्हम्दुलिल्लाह

हुआ ये इंटरेस्टिंगली कि बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो एक अलग प्रेशर होता है स्टेल होता है तो उसके लिए जब ज़्यादा का स्कैड्यूल चेंज किया हमने और जब चेंज किया तो मैंने अपना टॉपिक फिर उनको दे दिया क्यों कहा सर मैं लेट आऊँगा आखिरी टॉक मेरी है तो मैंने कहा मैं सेकंड कर लूँगा फेमिनिज्म मैंने क्यों तो अचानक उसकी अहमद की कॉल आ गई यानी सेट की जी नहीं वो तो थर्ड टॉपिक करेंगे वो चौथी नहीं करेंगे ठीक है हमारी आगे टॉक है तो मैंने कहा नहीं अहमद ये तो हो ही नहीं सकता ही सर नहीं नहीं ऐसे आगे जाना है वो मैंने ना उसको फोन पे डांट दी और तो वो उसका मुझे बाद में ना सॉरी का खैर हुआ तो भी उन्हें फोर्ड सॉरी का मैसेज आया मैंने कहा मैंने तुम्हें तो हक़ समझ के डांटा था कि मुझे पता है मैं तुम्हें तो कह सकता हूँ जो कहना है बिकॉज वी इन्जॉय दिस रिलेशनशिप ठीक है कि कोई वो नहीं है बिकॉज एक ही मकसद है एट द एंड ऑफ द डे एंड यू नो अप्रोचेज अगर कोई पाँच दस परसेंट का फर्क भी है वो है तो हम तो हमेशा कहते हैं यार हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे